नमस्कार, आप देख रहे हैं SROP न्यूज़। मैं नेहा यादव आपका स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में। 3 अगस्त 2019 को भगत चंद्रा हॉस्पिटल में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य था आम जनता को जागरूक करना कि वो बारिश के पानी का इस्तेमाल कैसे करें। सभा में आए सभी विशिष्ट अतिथियों ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन हरि प्रकाश पांडे जी ने किया। प्रार्थना उस परम पिता से जिसने हम सबको बनाया, जीवन दिया, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमें सद्बुद्धि मिले। प्रभु हमें सद्बुद्धि दें। ये जो चुनौतियां, आगत चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं, उनसे हम निपट सकें। गायत्री महामंत्र ऐसी ही प्रार्थना की भाव भूमि बनाते हुए एक साथ एक बार बोलने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SROP न्यूज़। मैं नेहा यादव आपका स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में। 3 अगस्त 2019 को भगत चंद्रा हॉस्पिटल में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य था आम जनता को जागरूक करना कि वो बारिश के पानी का इस्तेमाल कैसे करें। सभा में आए सभी विशिष्ट अतिथियों ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन हरि प्रकाश पांडे जी ने किया। प्रार्थना उस परम पिता से जिसने हम सबको बनाया, जीवन दिया, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमें सद्बुद्धि मिले। प्रभु हमें सद्बुद्धि दें। ये जो चुनौतियां, आगत चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं, उनसे हम निपट सकें। गायत्री महामंत्र ऐसी ही प्रार्थना की भाव भूमि बनाते हुए एक साथ एक बार बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगत हॉस्पिटल के इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर और आपकी उपस्थिति में यहाँ मौजूद सभी हमारी बहनों, हमारे भाइयों, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, विश्व जागृति मिशन में सेवारत हूं, डायरेक्टर के रूप में एक ट्रस्ट भी भाग्योदय फाउंडेशन नाम से बनाया है जो सेवा कार्य कर रहा है अभी लगभग 1.5 साल से। लगभग 3.5 दशक की सेवा है शासन की, यूपी सरकार की सेवा में रहा, बीच में छोड़ी है, और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र धर्म संस्कृति के निमित्त समर्पित हूं। यहां पर आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा है। एक अस्पताल जो पीड़ा निवारण का कार्य करता है, वहां पर जो आगत समस्याएं हैं जल जैसी, उन पर चर्चा करना, उन पर एक चिंतन करना, मंथन करना, सबको एकत्रित करना वास्तव में सराहनीय कार्य है। हमारा मन है तालियों के साथ इस हॉस्पिटल को और इस अस्पताल के संचालक प्रमुख डॉक्टर भगत जी को हम लोग साधुवाद दें। बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। हम आप सब यहां पर विभिन्न आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, दीदी लोग हैं, बहने हैं, बड़े बुजुर्ग भी कुछ चेहरे यहां दिख रहे हैं, युवा अधिकांश हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम सबको शुद्ध जल, बहुत निर्मल हवा, ठीक ठाक अन्न सब कुछ दिया था, गारंटी बिल्कुल कहा था कि जन्मे हो हम तुम्हें देकर के जा रहे हैं, अच्छा एक पर्यावरण, प्रकृति, पानी, हवा सब कुछ। वक्ता प्रवक्ता हूं, जगह जगह देश भर में जाना होता है, बड़ी बड़ी सभाओं में जब मैं पूछता हूं कि आज आप हम सब कोई भी क्या इसका उत्तर देने की स्थिति में है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को ठीक हवा, सांस लेने लायक हवा, पीने लायक जल आदि आदि कई नाम ले लीजिए देकर के जाने की स्थिति में है, तो शायद अपने आप से उत्तर निकलता है कि देश का कोई भी वर्ग, राजनेता, वैज्ञानिक जो इस पर बहुत चिंतन करते हैं, वैज्ञानिकों के बीच हमने काम भी किया है यूपी सरकार में प्रशासनिक पदों पर, हमारे धर्म पंथ के लोग जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, समाज के लोग, अधिकारी, प्रशासक, कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है आज कि हम अपनी अगली पीढ़ी को शुद्ध हवा, निर्मल जल देकर के जाने की गारंटी देते हैं देश को। ये एक बहुत भारी चिंता का विषय है, छोटी मोटी चिंता की बात नहीं। शायद इसीलिए एक अस्पताल के सभाकक्ष में, कमेटी रूम में हम लोग समागत हैं इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। देश बहुत बड़ा है, अनेकों राज्य हैं, बहुत भारी हमारी जनसंख्या है, एक हमारा यूपी जैसा राज्य अमेरिका जैसे देशों के बराबर है, ऐसे हमारे अनेक राज्य हैं। बहनों भाइयों, समस्या बहुत बड़ी निश्चित रूप से, लेकिन हमें लगता है केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसकी चर्चा हुई, अभी हमने दिल्ली जल बोर्ड का भूगर्भ जल बना दें, धरती में पहुंचा दें। ग्रामीण क्षेत्र के हम सब अनेक लोग गांव में जन्मे हैं, लगभग सभी, थोड़े से लोगों को छोड़कर। गांव कई तालाबों से घिरा होता था, हमें तालाब बहुत बड़े बड़े याद हैं, कम से कम 5 तालाब, 4 से 5 तालाबों से घिरा हुआ छोटा गांव या बड़ा गांव कोई भी हो, वैसे ही छोटे बड़े तालाब हो जाते थे। बारिश, जब आप यहां बैठे हैं, बारिश के तुरंत पहले हम सब हमने वहां से मिट्टी निकाली है, मिट्टी निकालते कोई पात्र ऐसे होते जिसमें मिट्टी सिर पर आ जाती, सिर पर मिट्टी धोई है तालाब से निकालकर, बारिश के पहले जब तालाब सूख रहे होते गर्मी में, और बहुत कम जल रह जाता, नहीं भी जल रह जाता, गांव भर के हर घर की दीवारों की लिसाई, उसको गांव में कहते हैं हम लोग, मैं हरदोई का हूं लखनऊ के पास, और लिसाई कहते हैं, पुताई कहते हैं, हम सब उन शब्दों से परिचित होंगे, और गीली मिट्टी ले आते, उसमें भूसा मिलाया जाता और कुछ चीजें मिलती, दीवार मजबूत होती उस मिट्टी से, उधर तालाब गहरा होता, न केवल उस समय तात्कालिक जरूरत को, दीवार को मजबूत करने के लिए ये करते, बल्कि एक और शब्द, पिरोड़ शब्द भी, एक सांसद हमारे यहां के, बात हो रही थी इसी विषय पर, चर्चा हुई, बोले राम महेश में, इस पर हमारे जीजा जी होते हैं बड़े, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, उन्होंने कहा मैं राज्यसभा में ये सवाल ले जाऊंगा जो हमारी आपकी बात हो रही है, और राज्यसभा में वो ले गए, बाकायदा उन्होंने बातें की है वहां, उनके मुख से शब्द सुना पिरोड़, तब याद आया पिरोड़ हमने भी बनाया है। पिरोड़ कौन, कि इधर दीवारों को मजबूत कर लिया जाता, वो सब होता, फिर साल भर के लिए फिर से अगर कहीं दीवार की, कच्ची दीवार की पुताई करनी पड़ती, तब गीली मिट्टी कहां मिलेगी, क्योंकि बारिश में तो पूरा तालाब भर जाएगा, तो उस गीली मिट्टी को जमा करते और वह उसको सुखा लेते
ऐसी जगह जहां पानी न पड़े और उससे साल भर कई महीनों तक जब तक पुनः तालाब खाली नहीं होते उस मिट्टी उस पिरोड़ से किचन जो हमारा आपका किचन कहा जाता है रसोई उसको अम्मा जो है उसकी साफ सफाई करती और वो गाय का गोबर आदि उसके ऊपर बाद में इस्तेमाल होता है। ये क्यों सुना रहे हैं बचपन की कहानियां? ये सुना रहे हैं इसके मारे कि तालाब गहरा करने की हमारे अपने भारतवर्ष में हमारे अपने देश में एक नैसर्गिक एक प्राकृतिक व्यवस्था रही है और सब मिलकर खेल खेल में कर लेते थे। आज वो नरेगा मनरेगा और पता नहीं क्या क्या उसमें मजदूरी देनी पड़ रही है। उस समय कोई नरेगा मनरेगा नहीं होता था, पूरे गांव के लोग मिलकर के ये काम कर लेते थे। तालाब खूब गहरे हो जाते सभी तालाब, इधर के लोग इस तालाब में से निकालते, दक्षिण गांव के दक्षिण वाले वहां वो करते, जिधर तालाब होता वो अपना तालाब गहरा हो जाता। अब आप ये सोचिए भारत की राजधानी में बैठे हैं ये मिश्रा जी भाई साहब ये क्या सुना रहे हैं, अब क्या ये संभव है, इससे हमें क्या हमारा क्या संबंध है? तो उसमें एक कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब से कहूंगा कभी बुलाएं, ये नोएडा में रहते हैं डॉक्टर डॉक्टर नहीं जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहे, उन्होंने न्यायाधीश बतौर न्यायाधीश एक फैसला दिया था यूपी के संबंध में और यूपी सरकार से पूछा था, उस समय में सरकार की सेवा में था और बड़ा चर्चा का विषय बना था, कोई जज साहब सरकार को परेशान कर रहे हैं ये कहा जाता था। लेकिन बाद में जब निकटता हुई परिचय हुआ, उत्तराखंड में एक संस्थान में वो चेयरमैन रहे, अभी छत्तीसगढ़ में प्रमुख लोकायुक्त वहां से भी मुक्त होकर आए हैं, 67-68 साल उम्र है। उन्होंने उस समय एक सवाल किया यूपी सरकार से कि हमें बताएं कि 50 साल पहले तालाबों की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है यूपी के तालाबों की, वो हमारे पटल पर यहां रखी जाए कोर्ट में। 50 साल पहले के तालाब अरे इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया, तो बहुत सारे खराब स्थिति हो गई तालाबों की, घर बन गए हैं उन पर। लेकिन उन्होंने टाइट किया, सरकार ने पहले मजाक में लिया, फिर उन्होंने प्रयागराज अब उसका नाम हो गया इलाहाबाद में चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और उनको कहा कि हम आपको जेल भेज रहे हैं 3 दिन के अंदर यदि आप नहीं देते हैं इसको। उन्होंने समय मांगा 3 दिन का और हमें याद है आफत मची, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश गए और 24 घंटे का समय दिया गया। 72 घंटे में सारी सूचनाएं कोर्ट के सामने पुनः आई और बड़ा सख्त उन्होंने आदेश दिया था कि सभी तालाब गहरे किए जाएं, इंक्रोचमेंट जहां जहां है उनको हटाया जाए, कोई बहुत गरीब लोग हैं हरिजन आदि हैं जैसे भारत में हमारे व्यवस्था है उनको और कहीं दिया जाए। अभी भी कई साल बाद भी वहां की सरकार तालाबों के पर काम कर रही है, थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन इस आदेश का भी हमारा मन किया कि आपके सामने जिक्र करें। क्या हम दिल्ली हमारा राज्य है वहां पर यूपी सरकार के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उसके प्रकाश में उनको कहीं वापस लाना होगा? बात बनेगी नहीं, बातें बहुत होती रहेंगी लेकिन बात बनेगी नहीं इसके बिना। एक पहला सुझाव तो हमारा यह, और उसमें हम आप सब विभिन्न संपर्क हैं प्रशासकों से राजनेताओं से प्रभाव जहां जहां जिसका जो बन पड़े, कानूनी तौर पर भी अगर कहीं जाया जा सके यूपी की तरह, यहां से कोई निकले वकील साहब हो आप लोगों में से या आपके कोई रिलेटिव हो, ऐसा एक बिंदु मैं आपके सम्मुख रखता हूं, क्या यह संभव हो सकता है कि इस दिशा में हम सब प्रयास करें तालाब आसपास के गहरे हों? नंबर एक बात। नंबर दो बात यह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बार बार अंग्रेजी में शब्द आता है, हर घर पर हर बिल्डिंग पर नेचर इतना पानी बरसा देती है साल भर में, ये प्रकृति की व्यवस्था है। नेचर बहुत न्याय भगवान है ना, प्रकृति को भगवान शिव जल पावक गगन से नीरा कहा गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये भगवान भगवान का स्वरूप है और भगवान हमेशा न्यायकारी होता है। उसने व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई, साल भर में इतना बरसा दिया कि उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग साल भर नहा सकें,
वर्ष भर स्नान कर सकें, भोजन कर सकें, कपड़े धो सकें, शौचालय में इस्तेमाल कर सकें। हर घर के ऊपर परमात्मा इतना बरसा देता है, नेचर बरसा देती है, वरुण देव इंद्र देव की कृपा होती हर घर पर। उसमें कहना क्या, बातें रिपीट होंगी, इसमें लिखी है, चर्चा होती है और भी होंगी। पक्की पक्की नालियां डॉक्टर साहब ने भी इंगित किया, कहीं जरा सा भी भूगर्भ में धरती में कहीं पानी न चला जाए, यह हमारा प्रयास हुआ। आजादी के बाद जो प्रयास इस दिशा में होने चाहिए थे, नदियों की ओर करें तो मैं तो गंगा किनारे 12 साल उत्तराखंड में रह के आया हूं, लखनऊ छोड़ा था 2005 में। उसके बाद खराब स्थितियां हर जगह हैं, गंगा मर रही है, नाम बदलते रहे, कुछ कर दो फिर कुछ नाम रख दो, कहीं गंगा शुद्धिकरण रख दो, कहीं जल शक्ति मंत्रालय रख दो। मंत्रालय बदलने से बात नहीं बनने वाली, उसमें जनता को जागरूक बनाना और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना, इसके बिना कोई बात बनने वाली नहीं है। इस दिशा में भी हम जो हमारे भाग्योदय फाउंडेशन में 24 जो हमारे कार्य बिंदु हैं, उसमें एक बिंदु ये भी है कि हम ध्यानाकर्षण सरकारों का भी यथा समय यथा स्थान यथा शक्ति करते रहे, वो भी मैं करता हूं, और ये बातें संबंधित मंत्रालयों में जाकर उनको लिखकर ये भी प्रयास करता हूं हम आप सब उसमें सम्मिलित शक्ति लगे। इस दिशा में हम क्या प्रयास कर पाए कि कोई ऐसे नियम बने कि वह पानी कैसे हर घर को, इस हॉस्पिटल को अनिवार्य हो कि हम यहां बरसा पानी, छोटी नाली फिर बड़ी नाली फिर और बड़ा नाला फिर और बड़ा नाला, गोमती मैया में, गंगा मैया में, यमुना मैया में, वहां सब चला जा रहा है, लगातार निकाले तो जा रहे हैं, गिव एंड टेक का रिश्ता है, दो पाओ पहले दो पीछे पाओ, ये हमारा नेचर का नियम है और हमने वो नियम तोड़ा, लगातार हम ले तो रहे हैं, शौचालय में खोलो सुंदर पानी आ रहा है इस प्रकार से उस प्रकार से, बाथरूम्स में वापस नहीं हम दे रहे हैं, यही सारी समस्या है। जल की कमी थोड़ी है इस पूरी धरती पर, जल और उसका तो मालूम है, उसका परसेंटेज तय है, इतना परसेंट जल है, इतने परसेंट सूखी जमीन है, इतने परसेंट ये है, वो जल तब भी था आज भी है, भूगर्भ में नहीं पहुंच रहा, वहां करके बाढ़ पैदा कर रहा है, यहां पानी नहीं निकल पा रहा, उसके लिए वापस कैसे ये व्यवस्था बने, जो घर बन गए हैं उनमें अनिवार्य हो, और ये सरकार का ही काम हो सकता है, लेकिन हम लोग भी टेक्निक्स हैं, भाई साहब का परिचय कराया गया इसी क्षेत्र से, दिल्ली जल बोर्ड में इसके इंजीनियर्स हैं, उसकी विधायें हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ मिलेंगे, कैसे हम अपनी भूमिका निभाएं कि हमारा जो घर है, हमारे छत पर बरसा पानी वो कैसे भूमि में जाए, उसके लिए हरेक नागरिक को तैयार होना होगा, तब तो बने की बात। सरकारों का मैं तो विदेश नहीं गया हूं अभी कहीं भी, लेकिन विदेश में कहते हैं बड़ा बढ़िया बढ़िया नियम है, अमेरिका ये बढ़िया है, वो नियम का पालन करता है। मैंने कुछ बड़े लोगों से पूछा यात्रा आदि करते हुए, क्या वहां सब बहुत भले लोग हैं, बोले नहीं भले अले नहीं है, इतने नियम सख्त हैं कि अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सिपाही जो अमेरिका का पकड़ेगा, यहां पर तो फोन चला जाएगा, हमने कई बार फोन किए हैं, फलां डीसीपी साहब वो जरा ड्राइवर ऐसे कुछ कर गया है, और फिर वो बेचारा दरोगा सिपाही इतना सुनते, अच्छा कोई डीसीपी लाइन पर है तो छोड़ देता है। वहां बताया गया कि अगर फोन चला गया, सांसद जी को किसी ने कहा आप फोन कर दो, तो अगर $1,000 जुर्माना इसने बोला है कांस्टेबल ने, तो वो 2,000 सांसद जी को देने पड़ेंगे, बाकायदा अकाउंट से कट जाएंगे, ऐसे नियम हैं। तो कोई सांसद मंत्री फोन ही नहीं करते, हमारे यहां हर जगह दखल है। तो इसके लिए दबाव हम लोग बनाए, सरकार सजग है, कुछ लगता है थोड़ा बहुत, अभी बहुत तो नहीं लगता, अंदर खाने में बहुत सारी चीजें मालूम है, लेकिन हाँ सजग है और बहुमत में है, उनके पास भी करें कि कुछ ऐसी बने, मजबूरी में करना होगा, क्योंकि भी चेन्नई की स्थिति हुई, नागपुर अगला नंबर, तीसरा नंबर आपका दिल्ली का है, बैठे रहिए, बढ़िया नल लगवा लीजिए खूब बढ़िया बढ़िया से, ये टोटियां वो टोटियां, पानी नहीं निकलेगा, सुंदर सा बाथरूम बना लें, वो स्थिति दिल्ली में आ रही, तीसरे नंबर पर ही दिल्ली है, बहुत दिल्ली दूर नहीं है, चेन्नई नागपुर उसके बाद दिल्ली है, भूगर्भ में जल नहीं होगा, तो मरखप के कैसे करो या मरो वाली स्थितियां इस समय हैं, वो आना पड़ेगा वापस इन प्रयासों की ओर। तो हम लोग आज ये जो हाउस छोटा सा सदन है, उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव पास करें कि हम लोग अपने जो प्रयास हैं, अपने घर का पानी है, भूगर्भ जल कैसे बनावे, नीचे वह कैसे जाए, एक निवेदन यह आपसे करने का मन किया। तालाबों को ठीक करना, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग,
दो उपाय ऐसे, और तीसरा जो शिक्षण है हमारी, खास करके नई पीढ़ी, नई पीढ़ी, हम बुजुर्ग, हम बड़े लोग गलती कर जाते हैं, नई पीढ़ी कई बार कहती है कि ये अरे नल क्यों चढ़ा रहे हो, और हम दादा दादी को भी चल रहा है कोई बात नहीं, वो ब्रश कर रहे हैं तब भी चल रहा है, तो ये छोटी छोटी सावधानियां करनी पड़ेंगी। ड्राइंग रूम्स में पानी आता है, जल आता है, कई बार पान नहीं पीते हैं आप, लेकिन वो जूठा मान लिया जाता है, ग्लास को छुआ नहीं और जूठा मान लिया जाता है। ये इसके मारे भाषण कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं, हमें जैसे भोजन में पानी दिया और भोजन में पानी पीते नहीं, रख गया घोंसला कुल्ला वाला काम उस जल से कर लेते हैं, कि कम से कम वो लोग कहते हैं ये तो असभ्य ढंग हुआ शहरों के हिसाब से, हम तो भाई गंवार गांव के आदमी, लेकिन वो अपना ग्लास में लेकर के जहां कहीं है कुल्ला करने में वो पानी अपना इस्तेमाल कर लिया, तो उतने पानी बचा वहां से निकाल के वॉश बेसिन से। तो छोटे छोटे उपाय वह सब करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। हिंडन को हमने पड़ोस में कुछ प्रयास कर रहे हैं, हिंडन के गांव के आसपास कैंसर हो रहा, बहुत तकलीफें हैं, ग्रामीण जनता को भी खड़ा कर रहे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, बड़े बड़े उद्योग वाले लोग हैं, जहर डाल रहे हैं, मरवा देते हैं, अगर हम मरने को भी तैयार हैं कि अगर करेंगे तो ठीक है भाई, कल मरना है आज मर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें नदियां मर रही हैं, नदियां कैसे वापस आवे, नदियों पर काम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब, तीन मेरे सुझाव हैं, उस पर हम लोग कैसे छोटी बड़ी अपनी पहल कर पाए, उस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा लगा, आपको धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। अभी कुछ देर यहाँ रहेंगे, चर्चा होगी उसको सुनेंगे भी, और जब यह गोष्ठी संपन्न हो तब कोई निर्णय के साथ हम लोग उठें कि हमारा छोटा सा सदन क्या कुछ कर पाने के लिए फैसला करके उठाए। ऐसे यही निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। कुछ विचार हमारे साथ शेयर करें, जोरदार तालियां। जोगिंदर जी का साथ हमारे साथ हमेशा रहा, हमारी पिछली मुहिम प्लांटेशन ड्राइव में इनकी आशीर्वाद था, एक इंस्ट्रक्शन दी थी इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, डॉक्टर भगत को पेड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने पूरी फॉलो की, और आप सबको मालूम है, ज्यादातर को मालूम होगा कि हम लोगों ने 13,000 से ऊपर पेड़ लगाए थे इस एरिया में, तो वो इन्हीं के सहयोग से हुआ, तो मैं फिर इनका धन्यवाद करूंगा इस काम के लिए, और इनसे अनुरोध करूंगा कुछ शब्द कहें, कुछ हमें टेक्निकल डिस्कशंस भी करने हैं, कुछ बातें हैं। नरेंद्र जी बैठे हैं हमारे साथ, आज से 3 दिन पहले मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, तो मुझे लगा कि इनका काफी ज्ञान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, और इन्होंने एक सोच रखी हुई है, मोबाइल में भी बहुत सारी स्लाइड्स रखी हुई, इन्होंने बड़े से मुझे दिखा दी, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इम्प्रेशन मेरे मन में है, इस एरिए के जो विधायक और कॉरपोरेटर हैं, लोगों की डिमांड पे, अपने आप नहीं करते हैं, लोगों की डिमांड पे बहुत जल्दी कंक्रीट करवा देते हैं गलियों में, तो जो वाटर सोकेज होनी होती है वो बंद हो जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा स्कूटर मेरी गाड़ी आए तो कीचड़ में नहीं धंसे, और इनको मजबूर करते हैं और ये लोग करवाते हैं, लेकिन दिल से नरेंद्र जी तो मैं जानता हूं कि ये इस काम के हक में नहीं है, वो चाहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वो जल का इस्तेमाल हो, तो थोड़ी देर में हम इनसे भी सुनेंगे। आपकी सड़कें खराब होती है, कितने एक्सीडेंट होता है, हमें तो हेल्थ केयर कैन बी द बिगेस्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर एनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, और मैं इस बारे में शुरू से ही लोगों को कहता हूँ कि हेल्थ केयर को यही सोची थी, वो अपना काम कर रहे हैं और मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, वहां से बहुत सारे विचार उठते हैं, साउंड पोल्यूशन भी इतना है, और ये सब इस तरह के विषय उठते रहते हैं, और आप लोगों देखेंगे कि मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बार बार इस चीज पे डॉक्टर्स आर्टिकल लिखते हैं, तो ये हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोसाइटी को जागृत करने के लिए, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए, और उसमें आप इंटरेक्ट करते रहिए, उसको इग्नोर नहीं करिए, खाली हेल्थ केयर को खाली पैसा कमाने का जरिया नहीं है, या खाली मरीजों की बुखार जुकाम फ्रैक्चर्स का इलाज करने के लिए नहीं है, ये बहुत आगे जा चुका है और जा रहा है। तो स्लाइड सर, इसमें हमने छोटी छोटी चीजें की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने क्या किया और कुछ इन्होंने जैसे बताया है, एक तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2-3 तरह की होती है, एक आपने जो छत से पानी आया उसको स्टोर कर लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, जो लोग पहाड़ से उनको मालूम है कि हर जो मकान बनता है पहाड़ों में उनको वहां पर एक स्टोरेज टैंक बिल्डिंग के नीचे बनाना होता है, तभी उनको नक्शे पास होते हैं, नक्शे पास नहीं होते,
ये आप लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं, ये एक रेन वाटर स्टोरी। दूसरा है जिसका कई तरह के डिजाइन है, दिल्ली में आपको कोई भी सिस्टम जो जिसमें बोरवेल होगा वो बनाने के लिए आपको दिल्ली जल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, भूपेंद्र जी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, जो समस्या है मुझे मालूम है समस्या है, मुझे अपने रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम की परमिशन लेने के लिए 1.5 से 2 साल लग गए। मैं बता रहा हूँ उसका कारण मैंने आपको बताया कि कारण है कि उनके मन में डाउट है कि जो बोरवेल की हम परमिशन देंगे कहीं वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं है, समझ रहे ना? आप तो सर रिचार्ज के लिए कर रहे हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट के लिए। देखिए प्रोसेस बोरिंग का तो दोनों का सेम ही है। सर फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम डॉक्टर वीरपाल सिंह है और मैं IRI दिल्ली भूषण इंस्टीट्यूट से रिटायर हुआ हूँ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। बहुत बढ़िया। और मैंने 36 ईयर्स वाटर मैनेजमेंट पे काम किया, लेकिन कैनाल कमांड में 200 किलोमीटर लंबी नहर के ऊपर मैंने देखा है कि क्या पोजीशन थी आज से 35 साल पहले और क्या पोजीशन है आज की डेट में। इवन दिल्ली में भी अभी 4 दिन पहले पेपर में आता कि 12 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, लेकिन खत्म कैसे होगा, वाटर ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड से अधिक हो रहा है, उस पर भी नजर डालनी सबसे पहले, तो वो भी देखना है। बहुत सारे विषय है तो हम एक एक करके इनको लेते हैं। हाँ, लेकिन हम कर लेते हैं अभी डिस्कशंस पे थोड़ा सा और बात करें। ठीक है ना, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये एक रिचार्ज का सिस्टम है जिसमें मेन वाटर जो आता है उसको कोर्स फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर उसको फाइन फिल्ट्रेशन करके और उसको वाटर टेबल से ऊपर रिलीज करना होता है ग्राउंड में, ताकि वो सीधा वाटर टेबल पे जाके कंटेमिनेट नहीं करे वाटर को। क्योंकि अगर आप सीधा बोरवेल को वाटर टेबल तक ले जाएंगे तो वो कंटेमिनेट करेगा जो भी आप पोल्यूटेंट उसमें डालेंगे और वो ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को के लिए प्रावधान किया है और डिजाइन दिए हैं। रेन वाटर को मेंटेन भी करना पड़ता है क्योंकि जब आप मिट्टी जाती है तो उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं और पानी नहीं जाता, तो उनको पीरियडिकली बारिश से पहले निकाल के साफ भी करना पड़ता है, बारिश के बाद भी करना पड़ता है, ताकि सीजन के ऑफ सीजन में भी जो बारिश हो जाती है वो पानी जमीन में जाए। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है वो डिटेल में इन्होंने दिए हैं। कई टाइप के हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट, तो ये सारा ड्रेनेज हमने निकाला है और कंस्ट्रक्शंस कई टाइप की होती है, एरिया रिक्वायरमेंट क्या है, इतना एरिया आपके पास है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। फिर है स्ट्रीट्स की रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, जो सिटीज की प्रॉब्लम है कि हम लोग वाटर लॉगिंग से बहुत परेशान होते हैं। आज सुबह बारिश तेज हो गई तो दशरथ पुलिस स्टेशन पूरा उसमें डूब गया पानी में, और लेकिन वाटर की ड्रेनेज नहीं छूटी। एक समस्या और है कि जब हम लोग अपने मकान बनाते हैं तो हम पहला फर्ज समझते हैं कि जो रेन वाटर चैनल है हम उसको ब्लॉक करते हैं। कोई भी सड़क दुनिया की अगर वाटर लॉगिंग होगी और उस पर व्हीकल चलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो टूटेगी। फिर आप फिर शिकायत लेकर के पास पहुंच जाएंगे, हमारे घर की बाहर सड़क टूट गई उसकी रिपेयर कराइए। आपने पानी की निकासी तो बंद कर दी, पानी सोकेज भी बंद कर दिया और मुसीबत अपने लिए खड़ी कर दी। ये डिफरेंट टाइप्स के हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गए। नेक्स्ट, रिड्यूसेस एडवांटेज है उसके, रिड्यूसेस फ्लड इरोजन, रिड्यूसेस वाटर बिल, इंक्रीजेस वाटर टेबल। नेक्स्ट, मेंटेनेंस के लिए दिनेश ने लिख दिया, तुम बोलना चाहोगे या मैं बोल दूं इसके लिए? क्लीन रिचार्ज द पिट प्री एंड पोस्ट मानसून, ओवरफ्लो पाइप शुड बी ओपन। एक बार ओवरफ्लो कर जाता है रिचार्ज पे, उसकी जो पाइप है ग्रीन एरिया में जानी चाहिए। यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने भगत हॉस्पिटल में जो हमारी STP प्लांट का जो वाटर बचता है वो हम पाइप के जरिए पड़ोस में जो पार्क है वहां पे हम उनको यूज करते हैं, वहां पे यूज के बाद वो एक्स्ट्रा वाटर सोप भी हो जाता है ग्राउंड में। तो इस तरह ये रिचार्ज में भी इस्तेमाल होता है, प्लांटेशन में भी इस्तेमाल होता है। नेवर पॉइंट पेंट रूफ और पेंट पे जब छत का वाटर सोप करते हैं तो उसपे टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करिए, फिनाइल वगैरह से वॉश नहीं करिए, उसको पेंट भी नहीं करिए, क्योंकि वो पेंट जो है फिर ग्राउंड में जाएगा। हाँ, केमिकल्स की स्टोरेज वगैरह वहां पे रूफटॉप पे नहीं करिए, उसको अवॉइड करिए।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वॉशिंग में फिनाइल वगैरह इस तरह की चीजें यूज कर लेते हैं और उससे जो वाटर जाता है वो सब सॉइल वाटर को कंटेमिनेट करता है, टॉक्सिक कर देता है। एक डे टू डे कंजम्पशन कम करने के लिए छोटी सी डिवाइस जो मैंने अपनी फेसबुक पर भी पोस्ट की थी और एक स्लाइड है, आपका जो किचन का नल है, आप बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं और जब आपने नया नल लगाया था तो उसमें एक जाली थी, थोड़े दिनों में उसमें कचरा आ गया और आपने वो जाली निकाल के फेंक दी और उसके बाद आपको पानी खुला मिलता है और जितना आता रहता उसे। एक छोटी सी डिवाइस है जो आपको मिल जाएगी शॉपकीपर से या नेट से, इसको वापस लगा सुनना, ये एक छोटी डिवाइस से ही आपका किचन का वाटर कंजम्पशन 40-50% कम होता है। प्लांट्स की इरिगेशन के लिए मैंने हमेशा ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की, जहां पे आप लोगों के घर में संभव है उसको यूज करेंगे, उससे भी आपके वाटर कंजम्पशन कम होगी। ये जो मैं खुद कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। फिर प्लांटेशन में मैं मल्च मार्कर यूज करता हूँ, दैट मीन्स मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको एक प्लास्टिक HDPE की लेयर से कोट करके रखता हूँ, जिससे मेरे फॉर द सेम और बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट मेरे वाटर कंजम्पशन जो है 80-90% कम हो जाती है। इस तरह हमने छोटे छोटे प्रोविजन किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, जस्ट आई एम यही था कि आपको प्रोवोक करूं मैं कि आप सोचिए आप खुद क्या कर सकते हैं, कैसे आप कम कर सकते हैं, नहाते वक्त पानी कैसे कम यूज करना है, शावर सबसे ज्यादा पानी यूज करता है, बकेट हम यूज करते हैं, हैंड शावर उससे भी कम यूज करता है, तो ये आपकी सोच है कैसे करना है। बॉल्स वगैरह में आपने देखा कि स्प्रिंग लोडेड टैंक्स लगा दिए सबने, क्योंकि वहां पे वो नहीं चाहते कि 10-15 सेकंड से ज्यादा पानी नल में रहे, ब्रश करते हुए भी पानी कम इस्तेमाल करना है, शेव करते हुए भी पानी कम इस्तेमाल करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बर्तन धोते हुए भी पानी कम इस्तेमाल करना है, डेली आप जो कपड़े धुलने के लिए डाल देते हैं उनकी मात्रा कम कर दीजिए, होटल्स में जाते हैं तो वहां पे छोटा सा बोर्ड लगा होता है प्लीज हेल्प अस इन कंजर्विंग वाटर, उस पर ध्यान दीजिए, डेली टॉवल्स को नहीं थ्रो करिए, डेली बेडशीट्स को नहीं थ्रो करिए, इसमें घर में किचन में बर्तन जो है उनकी यूटिलाइजेशन कम करिए। मैं अपने घर में देख के कई बार परेशान होता हूं, खाना खाने वाले 6 आदमी बर्तन 70-75 करते हैं, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि ये सारा वाटर यूज होता है बर्तन को क्लीन करने में, तो आप सबको भी इन सब चीजों में सोचने की जरूरत है कि कैसे इन चीजों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा और दिनेश अगर तुम कुछ ऐड करना चाहते हो टेक्निकल तो प्लीज। इस प्रोग्राम के आयोजक भगत चंद्र हॉस्पिटल के केयर पर्सन मेरे साथ मेरे निगम में साथी नरेंद्र गिरसा जी, रेखा विनय चौहान सामने बैठी है निगम पार्षद, डाइस पर बैठे एक गणमान्य व्यक्ति, सामने बैठे महिला शक्ति, सभी को मैं नमस्कार कहता हूं। एक बार मैंने डॉक्टर साहब के जनून में देखी है कि जिस चीज का बीड़ा इन्होंने उठाया उस चीज को सिरे तक पहुंचाया, एक बार डॉक्टर साहब के लिए जरूर ताली बजाए। ताली से दो दो चीजें पूरी होती है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, जरूरी कोई हॉस्पिटल के नीचे आना, आपको स्वास्थ्य भी तो ठीक रखना चाहते हैं और सामने वाले का हौसला भी बढ़ता है। बहुत सारी बातें सुनने के बाद सबसे बड़ी बात है कि हम अपने एंड में क्या कर सकते हैं, हमारे पास सुझाव बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्या जो सुझाव है क्या उसको मैं लागू कर सकता हूं। किसी को सुझाव देने से पहले ये जरूर मनन करें, ये जरूर चिंतन करें क्या मैं उसको अपने ऊपर लागू करूंगा। व्यक्ति होता क्या कि सुझाव अच्छे देता है बुद्धिजीवी वर्ग से, लेकिन मैं अपने घर में उसको लागू नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कोई सुझाव ही ना दे। जब तक अपने ऊपर लागू ना करें, जहां तक बात नरेंद्र कृष्णा जी ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, अभी बात चल रही थी तो हमने देख रहे थे कि हम बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं,
वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक जन आंदोलन बन सकता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि पहले समरसेबल लगा करते थे कॉलोनी के अंदर, वाटर लेवल नीचे चला गया था, 250 फुट 300 फुट पीने के पानी जरूरी था। अब धीरे धीरे पानी की सप्लाई हुई तो वो वाटर जो समरसेबल वो समाप्त हो गया। लेकिन लोगों के मन में एक शंका ये है कि हम इसका वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताई, सामने डॉक्टर साहब ने भी अपनी वो रखी जो, लेकिन क्या है कि उसके दुष्परिणाम के कारण उसके परिणाम को हम अनदेखा नहीं कर सकते। होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर कि जो किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि यदि हमारे एंड पर, हमारे एंड का मतलब है एसडीएमसी के एंड पर, मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आप जो मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक एक बात 100% सच मिलेगी, क्योंकि मैं राजनीति में शिक्षा क्षेत्र से आया हूं, बच्चों को पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं। हमारे एंड पर यदि एसडीएमसी के एंड पर कोई भी बात आपको चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, वो मैं पूरी करके आपको दूंगा। क्योंकि दूसरे एंड की मैं जो है किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता, आजकल तो हम अपने संतान की भी गारंटी नहीं ले सकते, और पड़ोसी की तो वैसे ही नहीं ले सकते। तो ये चीज अपने ध्यान कर लीजिए। मैंने अब पूछा दिल्ली जल बोर्ड से कौन है, इनका दिल्ली जल बोर्ड से बुलाए थे लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से कोई आए ही नहीं। मतलब बिना दिल्ली जल बोर्ड के वाटर हार्वेस्टिंग संभव ही नहीं है। आप करने लगेगा पुलिस वाले आ जाएंगे, तुम खुद समस्या में लगा रहे हो क्या, आपको करने ही नहीं देंगे। सर्टिफिकेट मिलने में जैसे कहा 1.5 साल, सही क्या, बिल्कुल 1.5 साल लग जाता है। ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे किसी की निगरानी में बने, जब तक हम इसमें कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, जब कभी भी हम, आप जानते हैं अन्य गणमान्य व्यक्ति ने कही थी कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर 200 साल अंग्रेज ने राज किया, अंग्रेजों ने राज पता किससे किया, कानून के सारे किया। वो जानते थे हिंदुस्तान के व्यक्ति की नेचर को, जानते थे कानून। यदि आप कहेंगे ना अपनी इच्छा से नैतिक ड्यूटी बनती है, आप लेफ्ट में चलेंगे ये राइट में चलेगा, कभी मानेगा ही नहीं। आप किसी बच्चे को मना करेंगे, आज हम सब बच्चे वाले, किसी बच्चे को मना करेंगे बच्चा फॉलो ही नहीं करेगा। और कल के बाद से जब से वो कानून सख्त हुए हैं, जब से बच्चा हेलमेट भी लगाने लग गया, 18 साल का बच्चा यदि स्कूटी लेके जाएगा और कुछ करेगा, उससे नीचे वाले उसके मम्मी पापा दोषी होंगे। आज मम्मी भी कहेगी बेटा स्कूटी मत ले जा, कुछ कर आएगा तो मैं जेल जाऊंगी। सच बात है ये, नहीं तो अदरवाइज आपका 15-16 साल का बच्चा स्कूटी लेकर दौड़ रहा है, बिना हेलमेट के दौड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं उसको, कर बोल रहा है, हमारी हमारी संतान ही तो कर रही, लेकिन हमारी अनदेखी करके कर रही। तो जो कानून की बात जहां तक है, और एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी, बच्चों को भी समझाता हूं, यदि हमारे अपने बच्चों को कोई फ्री में दी हुई चीज, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यदि हम किसी को फ्री में कोई चीज दे दें तो समझ लीजिए उसको समाप्त कर रहे हैं, आप समाप्त कर रहे हैं। यदि आप अपनी संतान को यह कह कि बेटा मैं बहुत कमा रही हूं, बहुत कमा रहा हूं, तुझे कमाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कह सकता है ऐसा? इसका मतलब है आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप अभिशाप बन रहे हैं। आप कहते बेटा तेरे को अपनी कमाई से ही पूरा करना पड़ेगा, मैं तेरे को रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकती हूं। मेरा इतना कहना है पानी जो आज की डेट में फ्री वर्ड यूज होता है वो सबसे बड़ा दुखदाई है। लोग कार धोते हैं, कार, मैं रस्ते में 7 बजे जा रहा था, एक आदमी कार धो रहा, मेरे कार को रोका, मैंने कहा ये बेटा ये कार धो रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उसकी मम्मी ऊपर खड़ी थी, मुझको उसकी मम्मी ने दिखाई थी, 3 दिन पहले की बता रहा हूं, तो उसकी मम्मी ने देखा, सॉरी सर। मैंने कहा एक बेटे को समझाओ, ये बाल्टी से कार नहीं धो रहा, टूटी लगा रखी है, इसने धो रहा कितनी तेजी से, मेरे पीछे वाले घर को पानी नहीं मिल रहा। और ये चलो बच्चा समझदार था, और बच्चा समझदार ना हो तो मेरे को टूट के आता, मेरे को क्या मतलब है, धो रहा हूं मेरे यहां पानी आ रहा है। ये क्या है, एक चीज हम जो करते हैं वो इस तरह का नेचर हम देख रहे हैं बच्चों के, क्योंकि इस तरह से मैंने कहा। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम जब वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आज मैं एएसडी कॉलेज में था, हमारे एएसडी कॉलेज का 60वां फाउंडेशन डे था, आज मैं वहां गया,
फिर अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं जो हम अपने एंड पे कर रहे हैं, नंबर एक, जितने भी हमारे पास 464 स्कूल है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आज सभी स्कूल इंस्पेक्टर की, सभी प्रिंसिपल्स की, सबकी मीटिंग लेने के बाद हमने कहा जितनी कोई बिल्डिंग बनती है, जैसे नरेंद्र गिरशा ने कहा कोई बिल्डिंग बनती है तो बड़ी बात भी ये है कि इसका वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा, लेकिन ऑपरेशनल है या नहीं इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग नक्शा पास कराने के लिए, सीसी लेने के लिए आपको वाटर हार्वेस्टिंग दिखाना जरूरी है। तो आज ही हमने, आज से पहले 10 दिन पहले भी हमने प्रिंसिपल को अकाउंटेबल कर दिया कि वाटर हार्वेस्टिंग यदि ऑपरेशनल नहीं होगी तो प्रिंसिपल इज द अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी तो क्या करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल एसआई पर, एसआई डीडी पर, किसी ना किसी की, तो प्रिंसिपल एचओडी है उसके अंदर कम से कम 2000 गज का प्लॉट, उसके अंदर कितना बरसात का पानी आता है, जैसे आंकड़ों के मुताबिक जैसे आंकड़े आप दे रहे थे 100 गज के प्लॉट में 1,00,000 लीटर पानी आता है, कम से कम 100 गज के प्लॉट में 1,00,000 लीटर पानी 100 गज की छत पर, और सारा का 1,00,000 का 1,00,000 लीटर पानी सारा का सारा नाके के थ्रू और सीवेज के थ्रू सारा गद्दे नाले में चला। जितने भी हमारे कम्युनिटी हाल से, जितने भी कम्युनिटी सरकारी हमारी बिल्डिंग है, सब के सब जहां वाटर हार्वेस्टिंग संभव है वहां कर दी गई है और सबको ऑपरेशनल कर दिया गया। ये हमारे एंड की है। मैं अभी बोतल देख रहा था, ये कल मैं पर 3 दिन पहले मैं एलजी साहब के साथ बैठा था, कल मैं बैठा था चीफ सेक्रेटरी के साथ। बेसिकली क्या है, अब इस पर भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, इस पर भी मैं सहयोग करना चाहता हूं, लाइन से थोड़ा सा हट गया हूं। डॉक्टर साहब आपकी परमिशन होगी तो मैं परमिशन ले लेता हूं, 1 मिनट। पर्यावरण पे काम भी मैं कर रहा हूं। अभी मेरे कोई डॉक्टर यहां हॉस्पिटल है तो मेरा भतीजा बता रहा था कि 28 साल की एक लड़की को लंग्स कैंसर हो गया, फेसबुक पे चल रहा है। 28 साल की लड़की को लंग्स कैंसर हो गया, लड़की कैंसर से संबंधित किसी पदार्थ को प्रयोग ही नहीं करती थी, लेकिन रिपोर्ट आई उसका लंग्स कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन। 28 साल की बच्ची को, बच्ची कही है ना आजकल तो, छोटी बच्ची को, 28 साल की बच्ची को लंग्स कैंसर ड्यू टू इन दिल्ली एयर पोल्यूशन के कारण हो गया। जो भाई साहब कह रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के कारण, कान सुनना बंद कर देंगे आपके। तो पर्यावरण पे क्या चर्चा, आपने न्यूज पेपर में पढ़ा भी होगा, अखबार टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या है कि हम अपना काम स्वयं करें, हम दूसरे के घर में झांकने का प्रयास न करें। होता है कि हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं, हमने अपना काम किया क्या, हम अपना काम तो कर नहीं रहे, दूसरे को दोषी ठहरा रहे। जितनी भी बोतलें थी सिविक सेंटर में, आप आएंगे बीजेपी का, सॉरी अपना सिविक सेंटर है, अपना हेडक्वार्टर है, सबकी सब पानी की जो बोतल थी 5 रुपए 40 पैसे की आती है, सबको सब डिस्पेंसर लगा दिए, कागज के गिलास, जो चाय पी लेना तो ये कागज के गिलास, अपना पानी स्वयं पियो, ये पानी की सारी बोतलें खत्म करो। और कुछ भी मन देखिएगा, प्लास्टिक की जितनी भी थैली है 15 अगस्त के बाद जो एमसीडी कर सकती है, सबको हमने मार्केट एसोसिएशन को बुलाया, इसी के साथ चर्चा हो गई है कि मार्केट एसोसिएशन को हम 14 दिन तक का समय दे, जितनी वीकली मार्केट लगती है उनको 14 दिन का समय है, जो प्लास्टिक की थैली अपने आप का अपना विकल्प ढूंढ लीजिएगा, चाहे आप कागज के लिफाफे लाइएगा चाहे कोई और जूट के लाइएगा, लेकिन 14 अगस्त के बाद यदि तय बाजारी में, वीकली मार्केट में, दुकान में यदि ये पाए गए और गोदाम के अंदर पाएगा तो गोदाम को सील करने का भी हमने कह दिया, तो बेचने वाला गोदाम में रखेगा छोटे छोटे। अब सबसे बड़ी बात, किसी ने कहा क्वेश्चन बहुत सारे होते, चीज ध्यान कर लीजिएगा, आज की डेट में पहले डिमांड क्रिएट होती है, अब व्यक्ति के पास जब फल वाले के पास जाओगे तो वो थैली देगा ही नहीं, तो आप तो अपना थैला लेके जाओगे, थैला लेके जाओगे, अच्छा लिफाफा लेके जाओगे। तो जहां ये सिस्टम बन जाता है, पता नहीं कितने लोग गोवा गए आज थोड़े देर में, गोवा में मैं गया, आप भी गए तो अच्छी बात। तो वहां गोवा के अंदर मैंने आइसक्रीम लेने के बाद उसने गोवा में जिसने आइसक्रीम दी, आइसक्रीम रेडी वाले ने, मैंने आइसक्रीम ली, पैसे दिए, चल दिया, भाई चलो ना इसको छीलो, मैंने कहा छील लूंगा, कहते छीलो, छीलने के बाद इसको डालो ये, और वो डालने के बाद कागज का रेपर जो था उसने अपनी पकड़ पे डलवाया, कहते यदि आप साथ लेंगे आप रोड पे डालोगे चालान मेरा कटेगा। ये कुछ सब बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि भगत सिंह पैदा तो हो,
लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। वही बात है कि जब लाइट चली जाती है ना तो हम खिड़की झांक के देखते हैं, सबकी गई तो सो जा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा पड़ोसी कर देगा कंप्लेन। यदि मेरी चली गई तो तुरंत बिजली का बिल दिखा, पीछे नेहरू विलेज का दिखा, सेक्टर 9 का दिखा, पालम का दिखा, तुरंत फोन किया मेरी लाइट गई है, पड़ोसी कैसे सो रहा लाइट में, बिजली में कैसे। तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये कि पड़ोसी कैसे सो रहा है इसी। तो आज आपने डॉक्टर साहब ने जो पौधारोपण का भी प्रोग्राम किया था उसको भी कम गति तक लाए। आज हम पौधारोपण का प्रोग्राम हमारा 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, मैं इसमें थोड़ा सा मैंने डॉक्टर साहब की परमिशन ली है, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक हम पर्यावरण पखवाड़ा चलाएंगे। पौधे लगाने के लिए जहां आपके पास जगह है पौधे हम अवेलेबल कराएंगे, आपको पौधे आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन पौधा लगाते समय ये अवश्य ध्यान में रखें कि उस पौधे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। पौधा लगाना ही सब कुछ नहीं है, पौधे को आगे बढ़ाना भी हमारी ड्यूटी बनेगा। लेकिन लगाएंगे कहां से? सुनिए मेरी बात, पौधा लगाने की मेरे क्या काम, जहां आपके पास पौधा लगाने की जगह हो मुझे बताइए। अब ये कोई है कि रोड पे चलते पौधा लगा दे, गुप्ता जी ने कहा था। कुछ लोग तो पौधा इसलिए भी लगवाते कि पीछे की जगह स्कूटर खड़ी करने की हो जाए। ये मानसिकता को चेंज करो, यही इसलिए तो बैठे। कहता भाई साहब पौधा भी लगा दिया, ट्री गार्ड भी दे दो 3 फुट का, अब ये पीछे की जगह ये मेरी हो गई, इसमें टॉयलेट बना लूंगा यहां। मानसिकता आराम तो लेने की, तो 20-15 फुट की गली में क्या पौधा, छत पे लगा लो, तुलसी का पौधा लगा लो, तुलसी का ले लेना, कोई ऐसा ले लेना जो पौधा तो पौधा ही है, कोई बड़ा जगह हो तो बड़ा ले लेना, जगह ना हो तो छोटा कर लेना। तो आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब, आपका बहुत हृदय की गहराई से, क्योंकि आपने एक ऐसा मिशन लेके चले जहां मेरी जरूरत आपको तन से, मन से और धन से भी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ। मेरा नाम डॉक्टर डी पाल सिंह है और मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हूं। मैं पूसा इंस्टीट्यूट में लगभग 36 ईयर कैनाल वाटर मैनेजमेंट, जहां से पानी की शुरुआत होती है, मतलब उसमें काम किया, वो भी खासकर किसान के खेत में। और मैंने 36 साल एक 200 किलोमीटर लंबी नहर है, हमारी जो जमुना में से 2 नहर निकले हैं, ईस्टर्न यमुना कैनाल, वेस्टर्न यमुना, वेस्टर्न यमुना कैनाल तो हरियाणा राजस्थान में चली गई, ईस्टर्न यमुना कैनाल सहारनपुर मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ गाजियाबाद दिल्ली मांग खत्म हो गई। तो मैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे ये काम किया है कि इस कैनाल का 200 किलोमीटर लंबी नहर का सीसीए कितना होता है, क्या है सीसीए, मतलब कल्चर बिन कमर एरिया जिसमें हम खेती करते हैं, उसका एक 40% एरिया होता है उसको पीपीए बोलते हैं। 40% एरिया भाई कैनाल जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इरीगेशन के लिए पानी देती है। तो 1973-74 में वो लगभग 100% एरिया को सैचुरेट कर रही थी। और मैंने 2000 के आसपास फिर एक स्टडी करी पूरी कैनाल पे कि वह अब क्या पोजीशन है, जिससे कि पहले हम कितना वाटर देते थे किसान को, कितना खेत इरीगेट होता है, अब क्या होता है, मतलब उसमें ये निकल कर आया कि पहले जैसा लगभग 30% पे मिलता था, उस इस दौरान लगभग 5% एरिया को पानी मिलता था, मतलब इतनी पानी की शॉर्टेज होगी। रीजन उसका यह था प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि शुमार होती है मैनेजमेंट की, हर एक चीज की, कोई चीज ले रहा आगे दिल्ली चलपोड़ की ले लो, इसके बारे में भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। वो हमारे यहाँ दिल्ली चलपोड़ के सभी आदमी गए और उस पानी को राजस्थान वगैरह में तो ड्रिंकेबल भी किया, काफी लोग पूरे पूरे साल उस पानी पीते थे, उसे काम चलाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा फिर जागरूक हुआ, क्योंकि पानी की सब कमता हर जगह है, चाहे आप किसी फील्ड में चले जाए, और नीचे उसका मैनेजमेंट कोई भी नहीं है, किसी फील्ड में ले लो, किसी भी बात का ले लो आप, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में यदि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, यदि हम उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो उनसे भी हम काम चला सकते हैं। जैसे भाई साहब कह रहे थे हिंडन रिवर के ऊपर, उस बात को मैं एक साल पहले उठाई थी मैंने बात न्यूज 18 टीवी में, वो बीमारी होती है वहां पर जो लिवर के नजदीक है, वो हेपेटाइटिस सी है, वो मैं कह चुका और टीवी पे उठवा भी चुका एक साल पहले, उसका भी मुझे बुरा लगा था, क्योंकि मैं काफी वाटर के बारे में काम करता हूँ, देखता हूँ हमारे अपने एरिया में हम वाटर कंजर्व कैसे करते हैं। देखिए आप जो ये इसके दो ही सिस्टम है, रूफ टॉप सबसे पहले थैंक यू
आप लोग इतने गंभीर मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का अटेंडेंस एक सराहनीय है, काफी अच्छा क्राउड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज जो हम डेली यूजेज में है, हमारे बेसिक नीड है वाटर, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अ डे विदाउट वाटर, अगर कोई ऐसा दिन जिसमें पानी ना हो तो उसको कैसे हम निकालते हैं? तो इसमें आप लोगों का ओपिनियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम जैसे उठते हैं टॉयलेट के लिए, बात के लिए, water, it's one of our most precious resources, but our water supplies are limited. 97.5% of the Earth's water is salty, and only 2.5% is fresh water. But over two-thirds of this fresh water is locked in the polar ice caps and glaciers. This leaves only 0.5% in our lakes, rivers and groundwater for agricultural, industrial and personal use. But due to pollution, the quality of this water is under threat. According to the World Health Organization, only 0.007% of the world's total water supply is safe for consumption. And this minuscule amount needs to be shared by the more than 7 billion people on the planet. And this water is not distributed evenly throughout the world. 1.2 billion people live in areas of water scarcity in places such as southwestern United States, India, Spain, North Africa, Australia, and northern China. At the same time, demand for water is intensifying. Water is one of the most important. वाटर ही है 71% और 29% अर्थ है, प्लेन एरिया है। इसमें 97% वाटर सॉल्टी वाटर है जो सी एरिया में, इसका सर्वे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम सी में जाके रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे, फिर हो सकता है यूज में है, अदरवाइज हमारे लिए वेस्टेज है। ओनली 0.07% वाटर ही हमारे लिए यूज के लिए है, मीन्स 0.007% की यूज के लिए वाटर है, मीन्स बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ परसेंट। सो इसको हम हमें वे आउट करना है, कैसे हम इसको सेव करते हैं। ट्रेडिशनल वे भी एक इन टर्म्स ऑफ उसको या तो हम धरती के अंदर डाल दें या फिर हम उसको एक टैंक में उसको रीयूज कर लें। पीने के लिए हो सकता है वो फिट ना हो, बट टॉयलेट के लिए फिट हो सकता है, झाड़ू पोछा के लिए जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं उसके लिए फिट हो सकता है। कैसे ये हम उसको सेव कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस है। मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एज पर दिल्ली जल बोर्ड डॉम्स इसको हम कैसे बनाए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। दो टाइप के पिट्स हम लेते हैं, स्क्वायर शेप में या और रेक्टेंगुलर सेम ही है या फिर एक सर्कुलर के कुएं टाइप का बना दिया, उसमें जो रूफ का पानी है वो नीचे डाल दिया, उसमें कुछ सैंड वगैरह डाल दिया, फिल्टर मीडिया सैंड टफ हो नहीं है तो ब्लैंकेट डाल दिया, कोई भी फिल्टर मीडिया। एक साइंटिफिक मेथड है मॉड्यूलर टाइप हार्वेस्टिंग, ये वैसे जगह पे है अब जहाँ पे स्पेस वगैरह हमारे पास कम है, तो इसके लिए पॉलीमर्स के ब्लॉक्स हैं, मेथड सबका सेम ही है, एक्चुएशन फिर जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन। इसमें मेम्ब्रेन मीन्स अगर मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह यूज कर सकते हैं, और ब्लॉक्स हैं, पॉलीमर ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर में एक एक डाल के उसको बना सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, ये काफी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ब्लॉक्स लेके आना है और इसको डाल लें। इसमें जो वॉइड्स हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, पहले के जो हमारे
वॉट्स हो रहा है, वॉट्स मीन्स गैस, इसमें जाता है तो इसमें परफॉर्मेंट वाटर को अंदर जाने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टाइप. इसमें कन्वेंशनल टाइप हार्वेस्टिंग मिट्टी वैसे ही खोदना है जैसे उसमें है, इसमें एक ब्रिक वर्क करना है, चारों तरफ साइड से वॉल्स बनाने हैं, उसमें फिल्टर मीडिया डालना है एंड देन उसके ऊपर क्योर करना है. मेथड सेम है. फिल्टर मीडिया में सैंड है जो रेता बदरपुर बोल्डर्स पथरी वगैरह डालती. दोनों में डिफरेंस है, एक ब्लॉक से लेके आना है गड्ढे में डालना है. कन्वेंशनल है वो टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है. इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट काम पे फिल्टर मीडिया डालना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिक वर्क करना है. फिर मॉड्यूलर में बेनिफिट क्या है, वहां पे कोई होल्स नहीं है, कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो सकता है. बट इसमें हॉलो स्ट्रक्चर है, ऊपर से हमने डाला है स्लैब डाला है, अंदर में खाली है. हो सकता है ज्यादा ओवरलोड होने पे वो एक्सीडेंट होने वो अंदर जा सकता है, बट उसमें वैसा इशू नहीं है. वर्ड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें मेंटेनेंस जो मॉड्यूलर टाइप है उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंकेट टाइप का मेम्ब्रेन है उसको क्लीन करना है वापस से डालना है. इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा टेबल्स डाला है हमने पूरा सैंड वगैरह उसको हमें क्लीन करना है, अंदर से बाहर निकालो वॉश करो फिर उठा दे थोड़ा सा कॉस्ट. सर्कुलर टाइप ऑलरेडी डिस्कस्ड है. बेनिफिट, जगह जगह पे फ्लड आ रहे हैं, बाढ़, यदि वाटर नदी में पहुंचता है वहां से बाढ़ कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान देता है, तो इस वाटर को हमें सेव करना है, वो रिवर तक नहीं पहुंचे, रिवर से होते हुए फाइनली वो ओशियन में जाता है वहां तक नहीं पहुंचे, बाढ़ से हम बच सकते हैं. इरोजन, बाढ़ मिट्टी के बारिश के साथ साथ मिट्टी न जाने और क्या क्या मटेरियल लेके चला जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, तो उससे भी हम बच सकते हैं. मीन्स एक हार्वेस्टिंग पानी भी बचाएगा हमारे लिए, वाटर टेबल भी बचाएगा, फ्लड भी बचाएगा, इरोजन भी बचाएगा. दिल्ली गवर्नमेंट में के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वाटर बिल में भी रिबेट है 10% सब्सिडी है. वाटर टेबल बढ़ जाएगा जैसे हम वाटर छत का बचाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर अपने आप टॉप हो जाएगा. मीन्स इसके हार्वेस्टिंग के बेनिफिट है, तो हमें इसको मैंडेटरी करना चाहिए. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऑलरेडी सर ने डिस्कस किया है. पिट बनाना ही एक सॉल्यूशन नहीं है, इसको टाइमली क्लीन करना है, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है. मुल्लर में हमने जो ही मेम्ब्रेन डाला है उसको प्री मानसून एक बार उसको निकाल के वॉश करके वापस ले जाना है. कन्वेंशनल टाइप में जो भी हमने फिल्टर मीडिया डाला है उसको एक बार और वापस बाहर निकालने और डालना है सेम उसी मटेरियल को. कोई सीवेज वगैरह का कोई लीकेज ना हो, पिट में समटाइम सीवेज सीवेज वगैरह का पानी नहीं जा रहा हो, कोई केमिकल्स वगैरह जो हम रूप पे यूज करते हैं वो ना यूज करें उसका वाटर अंदर ना जाए. थैंक यू. एक और टेक करता है. चलो ठीक है, ठीक है. ये तुमने भी नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी. अच्छा, तो अभी कल ही पूरी की है इसको. दुनिया देखता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी में बैठे जोड़ों को देखता हूँ, कई तरह के भाव होते हैं, बड़ी मजेदार परिस्थितियां होती है. आप में से जो लोग गाड़ियों में बैठते हैं पति के साथ आगे की सीट पे या पीछे की आप देख लीजिएगा. चलिए एक एक करके समझते हैं इन परिस्थितियों का आनंद लेते हैं. तीन मुख्य परिस्थितियां होती हैं और कुछ बीच की भी होती है, यानी सब क्लासिफिकेशन भी होती है.
डायवर्जन यानी जोड़ा जो आगे बैठा है वो एक का मुंह इधर होता है एक का इधर होता है, ये एक परिस्थिति ठीक है। समानांतर यानी दोनों सामने देख रहे होते हैं, एक डायवर्जेंट हो गया दूसरा समानांतर हो गया, दोनों सामने देख रहे हैं। तीसरी मुख्य स्थिति है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो आइए इन तीनों परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पैसेंजर यानी महिला आड़ी बैठी होती है, ड्राइवर तो ऑब्वियसली सीधा बैठा होता है, ठीक है ना। वार्तालाप एक तरफा निर्विघ्न जारी होता है, जब तक किस्सों तक सीमित है कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी नाराजगी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, कुछ गर्मी आ जाए तो दुर्घटना का पूरा अंदेशा है, सावधानी बरतनी है और ऐसी स्थिति में ड्राइवर को चाहिए कि गाड़ी को धीरे कर दे। दूसरी स्थिति है यानी समानांतर दिशा वाली, या तो पति पत्नी नहीं है जो समानांतर बैठे हैं, या तो पति पत्नी नहीं है जबरदस्ती बैठना पड़ा उनको, या जिंदगी काट रहे हैं, या जिंदगी काट रहे हैं वो, ना शिकवा है ना शिकायत है ना कुछ आशा है एक दूसरे से, दुर्घटना का अंदेशा बिल्कुल ना के बराबर है इसमें। पर हो सकता है क्योंकि चालक भी विचार करते हुए अगर गाड़ी चला रहा है तो कहीं ख्यालों में भी खो सकता है, और पर फिर स्थिति ऐसी हो सकती है कि दुर्घटना हो सके, ठीक है ना। और अगले चरण में यह स्थिति विपरीत नेक्स्ट परिस्थिति में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी दोनों डाइवर्जेंट हो जाए, एक इधर देख रहा है और एक इधर देख रहा है। तीसरी मुख्य परिस्थिति जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, विपरीत दिशा डाइवर्जेंट, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगता है कि दोनों ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया, एक विराट की स्थिति है, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं लेना देना, जो है सब ठीक है, जिंदगी को बस चलने दो अपनी गति से, हम हैं साथ साथ पर नहीं जानते वो कौन है, हम हैं साथ साथ पर नहीं जानते वो कौन है। अजीब स्थिति है, जिंदगी कट जाती है, किसी अजनबी के सामने मुस्कुरा देते हैं ये दोनों जब मिलते हैं, वैसे एक दूसरे के सामने नहीं मुस्कुराते और जिंदगी कट जाती है। तो ये गाड़ी में चलने वाले को जोड़ों को देख के मुझे लगा कि ऐसी परिस्थिति होती है। सबसे पहले थैंक यू, आप लोग इतने गंभीर मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं इसके लिए आप लोगों का प्रेजेंस एक सराहनीय है, काफी अच्छा क्राउड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज जो हम डेली यूजेज में है, हमारे बेसिक नीड है वाटर, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अ डे विदाउट वाटर, अगर कोई ऐसा दिन जिसमें पानी ना हो तो उसको कैसे हम निकालते हैं, इसमें आप लोग का ओपिनियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम जैसे उठते हैं टॉयलेट के लिए, बात के लिए, Water, it's one of our most precious resources, but our water supplies are limited. 97.5% of the Earth's water is salty, and only 2.5% is fresh water. But over two-thirds of this fresh water is locked in the polar ice caps and glaciers. This leaves only 0.5% in our lakes, rivers and groundwater for agricultural, industrial and personal use. But due to pollution, the quality of this water is under threat. According to the World Health Organization, only 0.007% of the world's total water supply is safe for consumption. And this minuscule amount needs to be shared by the more than 7 billion people on the planet. And this water is not distributed evenly throughout the world. 1.2 billion people live in areas of water scarcity in places such as southwestern United States, India, Spain, North Africa, Australia, and northern China. At the same time, demand for water is intensifying. वाटर 71% है अर्थ में, वाटर ही है 71% और 29% अर्थ है, प्लेन एरिया है। इसमें 97% वाटर सॉल्टी वाटर है जो सी एरिया में, इसका सर्वे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम सी में जाके रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे, फिर हो सकता है यूज में है, अदरवाइज हमारे लिए वेस्टेज है। Only 0.007% वाटर ही हमारे लिए यूज के लिए है, मीन्स 0.007% ही यूज के लिए वाटर है, मीन्स बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ परसेंट। तो इसको हम
हमें वे आउट करना है, कैसे हम इसको सेव करते हैं। ट्रेडिशनल वे भी एक इन टर्म्स ऑफ उसको या तो हम धरती के अंदर डाल दें या फिर हम उसको एक टैंक में डाल के उसको रीयूज कर लें। पीने के लिए हो सकता है वो फिट ना हो, बट टॉयलेट के लिए फिट हो सकता है, झाड़ू पोछा के लिए जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं उसके लिए फिट हो सकता है। कैसे भी हम उसको सेव कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस है। मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एज पर दिल्ली जल बोर्ड नॉर्म्स इसको हम कैसे बनाएं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। दो टाइप के किट्स हम लेते हैं, स्क्वायर शेप के या और रेक्टेंगुलर सेम ही है या फिर एक सर्कुलर के। कुएं टाइप का बना दिया, उसमें जो रूफ का पानी है वो नीचे डाल दिया, उसमें कुछ सैंड वगैरह डाल दिया, फिल्टर मीडिया, सैंड टफ हो नहीं है तो ब्लैंकेट डाल दिया, कोई भी फिल्टर मीडिया। एक साइंटिफिक मेथड है मॉड्यूलर टाइप हार्वेस्टिंग, वैसे जगह पे है जहां पे स्पेस वगैरह हमारे पास कम है। इसके लिए पॉलीमर्स के ब्लॉक्स हैं, बेहतर सबका सेम ही है। एक्चुएशन जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन मींस अगर मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह यूज कर सकते हैं। और ब्लॉक्स हैं, पॉलीमर ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर में एक एक डाल के उसको बना सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, ये काफी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ब्लॉक्स लेके आना है और इसको डाल दें। इसमें जो वॉइड्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, पहले के जो हमारे पॉन्ड्स वगैरह है वॉइड्स मीन्स गैप्स इसमें ज्यादा है, तो इसमें परफॉर्मेंट वाटर को अंदर जाने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टाइप इसमें कन्वेंशनल टाइप हार्वेस्टिंग मिट्टी वैसे ही खोदना है जैसे उसमें है, इसमें एक ब्रिक वर्क करना है, चारों तरफ साइड से वॉल्स बना रहे हैं, उसमें फिल्टर मीडिया डालना है एंड देन उसके ऊपर क्योर करना है, मेथड सेम ही है। फिल्टर मीडिया में सैंड है जो रेता बदरपुर बोल्डर्स पथरी वगैरह डाल दी, दोनों में डिफरेंस है, एक ब्लॉक से लेके आना है गड्ढे में डालना है, कन्वेंशनल है वो टाइम टेकिंग वृक्ष टाइम टेकिंग है, इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट काम पे फिल्टर मीडिया डालना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिक वर्क करना है। फिर मॉड्यूलर में बेनिफिट क्या है, वहां पे कोई होल्स नहीं है, कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो सकता है, बट इसमें हॉलो स्ट्रक्चर है, ऊपर से हमने डाला है स्लैब डाला है, अंदर में खाली है, हो सकता है ज्यादा ओवरलोड होने के वो एक्सीडेंट होंगे वो अंदर जा सकता है, बट उसमें वैसा इशू नहीं है। वॉइड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें मेंटेनेंस जो मॉड्यूलर टाइप है उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंकेट टाइप का मेम्ब्रेन है उसको क्लीन करना है वापस से डालना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा टेबल्स डाला है हमने पूरा सैंड वगैरह उसको हमें क्लीन करना है, अंदर से बाहर निकालो वॉश करो फिर उठा दे, थोड़ा सा कॉस्ट नहीं है। सर्कुलर टाइप ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बेनिफिट जगह जगह पे फ्लड आ रहे हैं बाढ़, यही वाटर नदी में पहुंचता है वहां से बाढ़ कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान देता है, तो इस वाटर को हमें सेव करना है, वो रिवर तक नहीं पहुंचे, रिवर से होते हुए फाइनली वो ओशन में जाता है वहां तक नहीं पहुंचे,
बाढ़ से हम बच सकते हैं इरोजन बाढ़ मिट्टी के बारिश के साथ साथ मिट्टी न जाने और क्या क्या मटेरियल हो लेके चले जाता है गड्ढे हो जाते हैं तो उससे भी हम बच सकते हैं मीन्स एक हार्वेस्टिंग पानी भी बचाएगा हमारे लिए वाटर टेबल भी बचाएगा फ्लड भी बचाएगा इरोजन भी बचाएगा दिल्ली गवर्नमेंट में के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वाटर बिल में भी रिबेट है 10% सब्सिडी है वाटर टेबल बढ़ जाएगा जैसे हम वाटर छत का बचाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर अपने आप अप हो जाएगा मीन्स इसके हार्वेस्टिंग के बेनिफिट है सो हमें इसको मैंडेटरी करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऑलरेडी सर ने डिस्कस किया है पिट बनाना ही एक सॉल्यूशन नहीं है इसको टाइमली क्लीन करना है कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है मुल्लर में हमने जो ही मेम्ब्रेन डाला है उसको प्री मानसून एक बार उसको निकाल के वॉश करके वापस लेना है कन्वेंशनल टाइप में जो भी हमने फिल्टर मीडिया डाला है उसको एक बार और वापस बाहर निकालने पर डालना है सेम उसी मटेरियल को कोई सीवेज वगैरह का कोई लीकेज ना हो पिट में समटाइम सीवेज सीवेज वगैरह का पानी नहीं जा रहा हो कोई केमिकल्स वगैरह जो हम रूप पे यूज करते हैं वो ना यूज करें उसका वाटर अंदर ना जाए थैंक यू बहुत सुंदर नमस्ते और आज इस प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर भगत जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता जी सर जिसका मेरे से पहले आने से पहले इंट्रोडक्शन हो चुका मुझे उनके नाम का तो नहीं पता और बाकी आप अपने क्षेत्र से सभी बुद्धिजीवी आदमी यहाँ जो आए महिलाएं पुरुष जो अपने अपने क्षेत्र से आए उसके लिए आप सबको मेरा नमस्कार इस क्षेत्र से मैं निगम में प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ का और मैं ज्यादा राजनीति का मुझे अनुभव नहीं है तो बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो दो मिनट की बात को भी उसको 20 मिनट का बोलने की क्षमता होती है उसमें तो मैं जो बात है उसको कम से कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि भी आपको भी समझ में आए इसी क्षेत्र में अभी काम भी बहुत सारे चल रहे हैं तो नालियां अलग से हमने बनाने का प्रयास किया और जिसका विरोध जितना विरोध हमने इसमें से इसका लोगों ने किया पर हमने उसको दरकिनार करके यहाँ जो नाली अलग से बनाई वो हम ही जानते हैं आज पूरे उसमें हिंदुस्तान में एक जो अंधीदौड़ शुरू है हर आदमी को पैसा कमाने की एक होड़ लगी हुई है उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं जिनको हमने प्रकृति के प्रति समाज के प्रति और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने हर चीज को हम देखा करके और हम सीधे दौड़े चले जा रहे हैं हर आदमी को पैसे की इतनी भूख है कि उसकी पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती एक मकान बना लिया तो उसके दूसरे मकान की जरूरत है दूसरा मकान बन जाए आज मेरे को सर छुपाने की जगह मिल गई मेरे बच्चे के लिए किराए की व्यवस्था हो जाए और ऐसे ऐसे मतलब चलता रहता है और वो ऐसे ही उसी दौड़ में चला हुआ इन सारी चीजों में अगर हमने अनदेखी करी तो प्रकृति की करी प्रकृति ने जो हमें दिया आज 70 साल में विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की करी और सारे हमने बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए लेकिन वास्तव में जो कई सारी ऐसी चीजें हैं पानी के लिए अगर बात करें कि जो महाराणा प्रताप ने उदयपुर बसाया था कोई भी राजा महाराजा कोई भी सिटी बसाता था तो सबसे पहले यही करता था कि पानी की व्यवस्था यहाँ कैसे होगी पानी की स्टोरेज को पूरा भी पानी हमने यहाँ बरसात में प्रकृति से हमें पानी मिलता हो पानी को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हमें पीने का पानी मिले दिल्ली जैसे शहर में जो भारत की राजधानी है पानी को स्टोर करने की तो बात छोड़ो जो प्रकृति से पानी जो आता था वो सारा का सारा ग्राउंड से हमने निकाल के उसे किसी ने भी उसको वापिस करने का किसी ने भी सरकार की तरफ से भी अगर प्रयास भी हुए तो सारे मैं कॉन्ट्रेक्टर रहा हूं पहले तो डीडीए के माध्यम से भी एक गाइडलाइन चली कि हर सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है सारी बहुत सारी करी भी
लेकिन वो वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ इसलिए करी कि हमें कोई पनिशमेंट ना मिले। वो बाद में अगर वो रेगुलर अगर काम कर रही है वो काम वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक कोई भी ऐसा योजनाएं आती है कि भाई योजना है, हमने बस जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग कर दी, बल्कि उससे तो और ज्यादा पैसे की सिर्फ बर्बादी करी और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी नेक्स्ट ईयर में उसको कैसे मेंटेन करे, उसकी कैसे उसकी सफाई करे, वो कुछ ना तो कोई किसी का प्रबंध था, पैसे का प्रबंध था ना किसी योजना में था। वो ऐसी एक बार कर दी, करने के बाद में उनका बिल वगैरह ठेकेदार को बिल लेके चला जाता है, ठेकेदार ने तो काम किया लेकिन उसको अगले साल मेंटेन कौन करेगा, ये कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं किसी ने ध्यान दिया। मेरे गांव के अंदर दो छोटा सा गांव है, नसीबपुर गांव आपके पड़ोस में है, जिसमें दो तालाब थे पुराने टाइम से, छोटे से 200-250 घरों की आबादी होगी, उसमें भी उसके दो तालाब, उसके परली साइड में भी पूर्व में भी था पश्चिम में भी था, बहुत बड़े बड़े तालाब थे। आज उन तालाबों की दुर्दशा है, एक तो बिल्कुल ही डंप पड़ा है, बाकी दूसरे वाले को गांव वाले ने कुछ डेवलप करा है। लेकिन बात यह कि जिस तालाब की जरूरत यह थी कि उसको वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा, पानी जमीन में जाएगा, आज उसको 30-35 साल हो चुके, ना तो उसकी छटाई हुई, तो उसके सारे स्रोत जो है बंद हो चुके, किसी को भी वो नहीं उसमें। आज वो काम करता है, दिखने में तो वाटर बॉडी है और मेंटेन भी है, सुंदर भी है। डीडीए की जितनी भी वाटर बॉडी है सबसे अगर सुंदर वाटर बॉडी है तो हमारे यहाँ की है, उसमें गांव वालों का भी काफी योगदान रहा। लेकिन बात यह कि उसका जो पर्पज है वो क्या हाल होगा, उसमें जितने भी स्रोत 35 साल से उसकी छटाई की हुई, जितने भी सारे स्रोत थे वो सारे उसके बंद हो गए। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें आसपास के किसी भी क्षेत्र का पानी नहीं आता। अगर वाटर बॉडी का तो मतलब यह ना कि आप स्टोर की कैसे करोगे, गांव है एमसीडी के पास, मेन रोड पीडब्ल्यूडी के पास, जो उसके सामने कॉलोनी है वो फ्लड के पास, उसके जो साथ का एरिया है वो डीडीए के पास, और सभी ने किसी ने भी ये नहीं कर प्रयास किया कि वो पानी तालाब में आए। और मैं बड़ा दुख भी होता है, निगम में प्रतिनिधि हूं, निगम का तो सारा पानी सीवर में जा रहा, वाटर बॉडी में पानी जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं पार्षद बना तो मुझे भी काफी होती, मैंने भी वो किया, मैंने अपने इंजीनियरों को किया कि मेरी पहली वही है कि आप पहले आप सारे के सारे वो करो, सोसाइटी भी डीडीए की एमसीडी के पास आ गई है, अब पहले आप सर्वे करो कि आप पानी कैसे आप इस तालाब में लेके आ सकते हो। और 6 महीने में मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली इसमें किसी के पास, क्योंकि हमारे पास भी स्टाफ की कमी है, इतनी एनर्जी इतना स्टाफ इतना पैसा वो हमारे पास नहीं है। अगर जो हम उस पर लगाए तो वो आज जो तालाब है उसमें सिर्फ ट्यूबवेल से पानी भर देते हैं, बरसात में थोड़ा बहुत पानी उसके आसपास का ही आता है, बाकी उसमें यह है कि देखने में गांव दिखेगी वाटर बॉडी, घूमने फिरने के लिए आसपास में एक आपको वाटर बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी ऐसी व्यवस्था, हमने यहाँ ड्रेन का हमने काम शुरू किया और ड्रेन का लोगों ने लोग पता ही नहीं, अभी आप ड्रेन बना क्यों रहे, आप इसमें सीवर में पानी क्यों नहीं दे रहे, उनको ये नहीं पता कि पानी सीवर में आप दे ही नहीं सकते। जो सरकारी गाइडलाइन है, जो हमारा जमुना का जो सफाई का एक्शन प्लान है वो सारा इसके विरुद्ध है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले जितने कुछ एरिए में है कुछ लोगों ने डाल रखे सीवर में पानी डाल रखे, और उसकी उसी जितना भी जो है आज जो जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, आज जो इस फ्लाईओवर के आसपास में अगर एक घंटा बरसात हो जाती है तो इस फ्लाईओवर के नीचे 2-2.5 घंटे पहले पानी निकलता नहीं है, क्योंकि जितना भी सात नगर का जितना भी पानी है या सागरपुर का जितना भी पानी है जो सीवर के माध्यम से, क्योंकि वहां से पानी निकल के यहाँ ओवरफ्लो होता है और वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। बाकी उपेंद्र जी हमारे चेयरमैन, हम ये उनसे उम्मीद करेंगे कि वो कुछ ऐसा बजट इसमें जरूर एमसीडी में ले, ताकि हम अपने क्षेत्र में, मेरी मैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ इसमें, हमारे हमने क्योंकि ड्रेन हमने बनाई है उसके आसपास कहीं भी अगर 20 फुट की 25 फुट की अगर गली है तो उसके कोने पे मैंने अपने आप ही वो देखा कि अगर इसमें हम 40-50 फुट का बोर कर दे, 2 फुट दो पाइप आ जाते हैं जिसमें जाली वाले पाइप अगर हम उसमें डाल दें, क्योंकि जो भी वाटर हार्वेस्टिंग का हुआ जहां रेतीली मिट्टी मिलती है, क्योंकि पहले हमने यहां देखा था क्योंकि मेरा जन्म यहीं का नसीरपुर का ही है, तो यहाँ का जो वाटर लेवल था वो 40-50 फुट पे था, और 40-50 फुट पे हमारा जो वाटर लेवल था तो वो वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमारा 40-50 फुट पाइप डाल के हमारी हो सकती है। उस मिट्टी पे अगर हम 2-3 पाइप जाएंगे वो डाल के और ऊपर उस पाइप जो गड्ढे की वजह से गड्ढा ना लेके
क्योंकि गड्ढा बनाएंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्ट आएगी। अगर 400, 500, 600 रुपए की एक प्लास्टिक की टंकी आती है, उस टंकी को अगर यूज करें और उसमें सैंड वगैरह वो डाल के वो फिल्टर का वगैरह करते, तो सबसे आसान है 30-35 हजार रुपए का ज्यादा वो प्रपोजल है। 30-35 हजार रुपए में आपका वाटर हार्वेस्टिंग एक जगह हो सकती है। जरूरत यह है कि हर साल हम उसको मेंटेन रखें, उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें भी सभी का सहयोग चाहिए, पब्लिक का सहयोग चाहिए। बगैर पब्लिक के सहयोग के कोई भी योजना, कोई भी नेता उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। और लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं कि वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ कितनी, आज हर आदमी मतलब पैसे की तो भूख है, लेकिन जब आज हमारे पास ना तो साफ हवा होगी ना हमारे पास पानी होगा, तो हम पैसे का क्या करेंगे, गाड़ी का क्या करेंगे। सबसे ज्यादा तो हमारी आवश्यकता यही है कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, उसको हम साफ हवा का प्रबंध करें, हम उनको पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि कैसे हम उनको पानी दें, और जो सारी जो जरूरी जो उनकी जिंदगी में जो सांस लेने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनका जो हम उपाय सबसे पहले करें। और साहब आप सब लोग अपने क्षेत्र के काफी बुद्धिजीवी लोग हो, काफी आपने मेहनत करते हो, काफी एनजीओ के माध्यम से हर उस क्षेत्र में काम करते हो, तो जागरूक करने की, क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में पता ही नहीं, ना पब्लिक इस पर कुछ करना चाहती, तो पहले उनको समझाए कैसे, उनको समझाने की आवश्यकता है। और आप इसमें लगे हुए यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी इसमें आमंत्रित किया इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। मनुष्य के लिए जितनी सांस आवश्यक है उतना ही पानी आवश्यक है, और आज हम सबसे ज्यादा नुकसान जो है पानी को ही पहुंचा रहे हैं। उसको पानी को बचाने के लिए जितने भी हमारे सार्थक प्रयास हो सकते हैं हमें करने चाहिए। चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने, समाज का भविष्य अच्छा बने, सुंदर राष्ट्र बने, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, और ये सोचने का समय आ गया है। अगर उसकी शुरुआत हॉस्पिटल से हो रही है तो ये और ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो ये और ज़्यादा प्रेरणा के लायक है। तो हमारे को चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति पानी बचाने की मुहिम में जुड़े, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। जैसे मनुष्य की एक सांस कीमती है ना, ऐसे पानी की एक एक बूंद कीमती है। सिर्फ ये सोच बदलने के प्रयास है, और सोच बदल गई तो सारी चीज़ें अपने आप दुरुस्त और चुस्त हो जाएंगी। लेकिन सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वो सारी एक्सटेंसिव हैं और बड़े लोगों की। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो होती मानव प्रेरणा के लिए, मानव जाति के लिए, लेकिन उनका इस्तेमाल जिस तरीके से होती है वो नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उन साधनों का, उन संसाधनों का इस्तेमाल जैसे करें जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड कर रखे हैं और सरकार प्रोवाइड करती है। आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो क्या वाटर को लेकर के आप जो जमीनी स्तर पे जो देख रहे हैं? हमारा जमीनी स्तर पे कह रहा है कि प्रकृति जो है वो हमारी एक सांस से लेकर आखिरी सांस तक जुड़ी हुई है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जो प्रकृति से प्रभावित ना हो, और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रकृति से प्रभावित ना हो। आज जितनी भी खोजें हो रही हैं, डॉक्टर कर रहे हैं या वैज्ञानिक कर रहे हैं, उस प्रकृति के अंदर जो गुण है उन्हीं को एक्सपोज कर रहे हैं, उन्हीं को बाहर लेके आ रहे हैं। डॉक्टर जितने भी इलाज संभव कर पा रहे हैं ना, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो टीबी का हो, वो डायबिटीज का हो, वो सारे के सारे ही प्रकृति में ही उपस्थित है। डॉक्टर उनको खोज रहे हैं। तो प्रकृति तो हमारे जीवन के पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक हमारे माँ की तरह जुड़ी रहती है, लेकिन हम ही प्रकृति से दूर हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये माँ हमारी प्यारी बनी रहे, सुंदर बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे, तो हमें एक बच्चे की भूमिका में आना पड़ेगा, और बच्चे की तरह से लाड प्यार करना पड़ेगा, बच्चे की तरह से प्यार करना पड़ेगा, तभी ये फले फूलेगी, तभी ये हमारे को सुख शांति और ताकत देगी। आने वाले दिनों के लिए कुछ परियोजनाएं आपकी? हम तो लगातार एक एक दिन एक एक सांस प्रकृति माँ को दिए हुए हैं। मेरा तो जो जीवन है वो प्रकृति माँ को ही समर्पित है। मैं चाहता हूँ मेरी प्रकृति माँ जैसे पहले स्वस्थ और सुंदर थी वैसे बने। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे सारे कार्यकर्ता उसी मुहिम में लगे हुए हैं, चाहे वो अपने राजवीर जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे अश्विनी जी हो, चाहे सुनीता जी हो, चाहे डॉक्टर भगत जी हो, जितने भी हैं वो सब इसी मुहिम में है कि प्रकृति बचनी चाहिए, चाहे वो हरिप्रकाश जी हो। और मुझे पूर्ण उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ोगे। मीडिया अगर इसके साथ जुड़ जाएगा ना, तो हमारा काम घंटों का मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में। अरे यार, अकेले चलो ना, शेर की तरह हिंदुस्तान में खुद कुछ करके दिखाओ। मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहूंगा। बॉम्बे में एक सर्जन है जिन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। उन्होंने
अपनी एक टीम बनाई हुई है, वो सैटरडे और संडे सोसाइटीज में जाते हैं, जिनके टैप लीक कर रहे होते हैं, इनकी पाइप लीक कर रही होती है, उनके पास प्लम्बर होता है, वो रिपेयर करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पाइप खराब है, जिनका डल लीक कर रहा, अगले संडे देखेंगे उसको ठीक कराने में, उसमें लाखों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। दूसरा, मैंने कई बार देखा है, कई जगहों पे देखा है, बॉम्बे में भी देखा है, कि जो हमारा टॉयलेट सीट है उसके ऊपर जो टैंक लगा हुआ है, लोगों ने उसके ऊपर छोटा सा वॉश बेसिन बनाया हुआ है, जो वो हाथ धोते हैं वो पानी उस वाटर टैंक में जाता है और उसके बाद वो फ्लश के काम आता है। हम कई ऐसी छोटी छोटी चीजों से अपने आप को जुड़ा सकते हैं। हम लाइट के लिए कहते हैं कमरे से दूसरे कमरे जाना स्विच ऑफ कर दो, हम अपने लिए वाटर सेविंग के लिए छोटी छोटी चीजें की हार्वेस्टिंग, ये एक बड़े प्रोजेक्ट है, हमें यहां से जाना ले जाके करेंगे क्या? हार्वेस्टिंग सुन लिया अगले हफ्ते तक हमारे दिमाग से उतर गया, अब कोई आए पकड़े या लेके चले। हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी टीम्स है, हमारे पास एनजीओ है, बहुत लोग इकट्ठे होते करना चाहते, अगर हम चार प्लम्बर पकड़ रहे सोसाइटी को पकड़ रहे, सोसाइटी आपको पूरा साथ देगी, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी है, आप लोगों को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, बुलाते हैं कि ठीक कहिए क्या प्रॉब्लम जी, मैं ये दो प्लम्बर लेके आया हूँ आपकी सोसाइटी में, जितने टैप लीक हो रहे हैं हम उसको रिपेयर करवा देते हैं, पानी वेस्ट ही ना। एक आदमी से तो मैं कल जाऊंगा परसों जाऊंगा अगले हफ्ते करवा लेंगे यार, पानी फ्री है ना, करने का फ्री की चीज कोई इज्जत नहीं होती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये दो सजेशन है, टाइम भी कम है। Dr. Sonali Mansingh, I am taking 0 hours, giving a break for some time. After that, we will revert back to the legislative business. Please try to understand. First is Sonali Mansingh, then Santa Chetri, Vijay Goyal, Ram Kumar Kashyap, Rakesh Sinha, Vandana Chavan. All. Yeah, ma, you know. What has happened between 10:30 and 11 o'clock? For information, I will tell you. I will wait up to 10:30, but some of the notices which were given yesterday and Friday, I would have decided them but beforehand then, also. Jairam Ramesh is very extra intelligent. That's the problem. Sometimes I'm not able to cope up with him. See, you please remember. No, don't. Please remember. On Friday, I said that whatever notices are given on Friday, they will be valid for Monday also. You know my observation from the chair at the time. And secondly, today morning, we have sent a bulletin that this will be taken up in the evening. That also is there in the today's bulletin. So, if he now seems to be a member of the house on his own. He quit on his own. And I also inquired with him also. Dr. Sonali Mansingh, please stand. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on this historic day and this most historic debate. No. You have given notice for two schemes to perennially provide mineral water and unpolluted water for our cities. We are not on Kashmir as on now. Zero hour. Okay, sir, I will speak on art and culture then, sir. And I will connect it. I will connect it to. There. Please. Are you get ready before that? Same as Shanta Chetri is there. Oh, sir, I. You come back, ma'am. Yes, check up. I will give you. I would like to connect the entire issue. I'm not talking about the issue, sir. I want to talk about the art and cultural traditions of our country. Once again. Sir, what is it? You can only speak on a matter which is before the house. Sri Vijay Goyal. I will call you. Please sit down, ma'am. Sonali Mansingh ji, please. Someone should tell her also what exactly is the subject. No, no.
She might have given 2-3 notices. She might have forgotten. सभापति जी, मैं दिल्ली की ओर सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में आज इतनी मंत्री जी बैठ जाइए। दिल्ली में आज इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं और उन सब समस्याओं के केंद्र में है कि दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनाधिकृत निर्माण बिना किसी रोकथाम के लगातार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक मॉनिटरिंग कमेटी भूरेलाल जी की अध्यक्षता में बनाई, पर उस कमेटी के बावजूद भी दिल्ली में जिस तरीके से अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर हम सबको चिंता करनी बहुत जरूरी है। हैफेजर्ड मैनर्स के अंदर दिल्ली बढ़ती चली जा रही है। अगर आप जाएंगे तो अभी देखेंगे दिल्ली के अंदर 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज हो गई हैं और ये अनऑथराइज कॉलोनी में बिजली की, पानी की, सड़कों की, पार्क की, स्कूल की, कम्युनिटी हॉल की समस्याएं हैं। दिल्ली सरकार को इनकी बाउंड्रीज तय करनी थी, वो आज तक बाउंड्रीज तय नहीं हुई हैं। इनके लेआउट्स प्लान बनने थे, इनके लेआउट्स प्लान बन नहीं रहे हैं। एक तरफ जो अनऑथराइज कॉलोनीज बन गई उनको हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ नई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिन और रात हो रही है। आप देखेंगे नोएडा के अंदर, गुड़गावा में, फरीदाबाद में, भिवाड़ी में एक ईंट भी आप अनाधिकृत निर्माण की नहीं लगा सकते, किंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि सब एजेंसी सो रही हैं, मास्टर प्लान की धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं और दिल्ली के अंदर आपको सड़कों पे निकलना दूभर होगा और इसका सीधा संबंध प्रदूषण से भी है। दिल्ली आज प्रदूषण में दिल्ली नंबर एक, देश में नंबर एक हो गई है। इसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से है, पानी से है, बिजली से है और नागरिक सुविधाओं से है, किंतु हम सब लोग इसकी चिंता नहीं कर रहे। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सीधा सीधा, दिल्ली देश की राजधानी है और आप देखेंगे कि देश की राजधानी होने के बावजूद आज अगर लुटियन दिल्ली को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर छोटी छोटी ऐसी बस्तियां, गलियां बन गई हैं और समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि चलना भी सड़कों के ऊपर दूभर हो गया है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही। अगली बार जो आपस में लड़ाइयां होंगी वो पार्किंग के ऊपर होंगी कि मेरी कार यहां क्यों खड़ी है, तुम्हारी कार वहां पर क्या है। पानी के ऊपर अगली बार लड़ाई होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सीधा यह देखना चाहिए कि दिल्ली में कम से कम जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो सारी एजेंसीज मिलकर उसको रोके और जो आम नागरिक है उसको सुविधाएं मिले और ये जो 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं इनको मैं सेल्फ मेड कॉलोनीज कहता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों ने इन डीडीए ने हाउसिंग और दूसरी स्कीम्स का ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए ये समस्याएं और बढ़ गई हैं। इनके रेगुलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। राम कुमार कश्यप नहीं, श्री राकेश सिन्हा अभी थे यहाँ, श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, sir. This is about destruction of Aravid Hills. Yes, sir. In fact, I had given 2 days back, so I wasn't sure that it's going to come today. All the same, sir, in the last few days, we have been constantly seeing newspaper items showing that Aravali Hills around Delhi are being totally destructed. Sir, the quarrying is happening and the stone is being used for construction purposes. Sir, we have to realize that hills and mountains of any area are absolutely a very important natural feature of our country. And sir, it cannot be destroyed. Sir, over here, as the stones are being quarried, we also see that the green cover is disappearing. The wildlife there is disappearing. Delhi is already facing the problem of air pollution, and this adds the dust which is being generated while cutting the stone is also adding to the air pollution of the city, sir. So therefore, I urge the government to look into this matter. Hills, no matter where, mountains, no matter where, should be treated as natural features and should be treated as heritage, sir. And we have to make sure that we safeguard them. I urge the government to look into this and make sure that we do not destroy our natural features. Thank you. Thank you, sir. Sri Muhammad Ali Khan, he came and made a request to me also. Sri R.K. Sinha. Muhammad Ali Khan ji, hai? माननीय सभापति महोदय,
मैं आज स्पेशल मेंशन के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूँ। विभिन्न एजेंसियों की अनेकों रिपोर्टों और मीडिया में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं, जो वायु प्रदूषण की एक डरावनी तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। इन रिपोर्टों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वायु प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं और इन मौतों का आंकड़ा प्रतिवर्ष लाखों में है। सरकार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाने का विचार करना चाहिए, ताकि इस चुनौती से निपटने के लिए। आरके सिन्हा जी, यू आर रीडिंग स्पेशल मेंशन। व्हाट नाउ आई हैव परमिटेड यू इज योर जीरो आवर फॉर मैंडेटरी ट्रेनिंग इन स्कूल्स फॉर लाइफ सेविंग स्किल्स। आई एम सो सॉरी। डिजास्टर मैनेजमेंट। आई एम सो आफ्टरवर्ड्स द स्पेशल मेंशन आल्सो विल कम। फर्स्ट नाउ वन इज जीरो आवर। वन सेकंड। बिकॉज़ टू डेज आर ओवर, पीपल आर फॉरगेटिंग। नेक्स्ट बट दैट्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रिमेंबरिंग इज नॉट बाद में आएगा। सर, मैं आपके माध्यम से बच्चों में और किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, फॉर मेंबर्स हु आर मेकिंग कमेंट्स, आई वुड लाइक माय ईयर कैचेस एवरीथिंग। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जीरो आवर, नो प्रोविजन फॉर स्पेशल मेंशन। इट इज आई हु टुक द इनिशिएटिव एंड कंडक्टिंग इट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड सेशन। एक्सटेंडेड सेशन इज ओनली फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके, नो प्रॉब्लम, बट there are members who are doing working hard and giving notice. Please cut. Mananiya sabhapati ji, ye zero hour ka notice hamara kai baar aaya, lekin kai karanon se ye nahi take up ho saka. Aaj main bahut aabhari hu ki aa gaya. Fir ye main aaj shunya kal ke notice ke madhyam se बच्चों में और किशोरों में सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल के गठन का विचार रखना चाहता हूं। हम देश भर में चाहे कहीं भी किसी भी अखबार के पन्नों को पलटे तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाएगा जब हम छोटे बच्चों के डूबने या उनके जहर खुरानी, उनके जल जाने, जानवरों द्वारा काटे जाने, रोड एक्सीडेंट में मौत जैसी खबरों से रूबरू नहीं होते होंगे। ऐसे बहुत सारे युवा छात्र हैं जो कट ऑफ मार्क्स और प्रचंड प्रतिस्पर्धा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं और गंभीर चिंता जैसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं और जूझते रहते हैं और पूरे परिवार को ये इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कतिपय अप्राकृतिक कारणों से हमारे बच्चे और किशोरों की असामयिक मौतों की एक प्रमुख वजह है कि सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल का इनके शिक्षण पद्धति में अभाव है, जिसके कारण बच्चों को बहुत कम रूम से ही प्री स्कूल से लेकर स्कूल, घर, ट्यूशन आदि तक में उनको ये बताया जाना चाहिए कि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या असामयिक परिस्थिति आने पर किस तरह से निपटा जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से, विशेषकर गृह मंत्रालय से, आपदा प्रबंधन मंत्रालय से और मानव संसाधन मंत्रालय से ये अपील करता हूँ कि वे छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल में और इवन सेकेंडरी स्कूल में ये सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल को शिक्षा और पाठ्यक्रम में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मानस रंजन बुनिया, दिस इज अबाउट मेनेंस ऑफ फीमेल फेमेलसाइड। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थ्रू यू सर, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एंड द एंटायर हाउस टू ऑनरेबल मेंबर्स। वी आर फेसिंग ए सीरियस सोशल, मेडिकल एंड मेंटल क्राइसिस ऑफ आवर सोसाइटी एंड द and in case of individuality also. Sir, recently in our country the female feticide is increasing. The evidence is sex ratio is in a deep gap in different states, not all the states. Recently a report came
in Uttarakhand and Uttarakashi area, in 132 village, 216 birth took place, out of which not a single female child was there. After that, the villagers, the social scientists, the medical officers, district administration, they went to that place and surveyed. What is happening there? We have legal perspective from union government and from the state government that ultrasonography detection of the fetus is illegal and punishable offense. But even after that, sir, I'm coming. Even after that, the illegal process is continuing with the help of this ultrasound clinics and private clinics, and some doctors, some quacks of the village are involved, and they are detecting the female child and destroying. The mentality of the male and the family, particularly family, is not in favor of the female child. So if this thing continues, I urge upon the government, through you, sir, kindly give a note to the health ministry and to all the states and the center, that we should be very concentric to the investigation when our female child are not in progressing in number, the family, the husband and wife, and the society and the village, they are against the female child. This is a serious situation of our country and our entire mentality. We should stop it, sir, and intervene in a way where we could save the female child in our country. Thank you. Thank you. Good. Associate. Please add, send the name. Sri Prabhakar Reddy Vemireddy. Sri Jairam Ramesh. Sir, I wish to draw the government's attention to the urgent need to protect the ecologically valuable but critically endangered Western Ghats. And I hope my good friends, Mr. Sadanand Gowda and Suresh Gopi, will associate themselves with this. In August 2011, the Western Ghats Ecology Expert Panel, set up under the chairmanship of Madhav Gadgil, India's preeminent ecological scientist, submitted its recommendations to the government, suggesting that 64% of the Western Ghats area be notified as ecologically sensitive. Thereafter, 2 years later, another committee chaired by the eminent space scientist, Dr. Kasturirangan, reduced the area for ecological protection to 37%, but more importantly, sir, denied any role to democratically elected local panchayats. The problem is the government of India is now using the Kasturirangan committee in its discussions with the states, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Now this is disastrous because the area under protection has been reduced, but also because local panchayats and nagarpalikas are going to be denied their say when it comes to environmental issues. Therefore, sir, I urge the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to reject the methodology and conclusions of the Kasturirangan committee and go back to the original Gadgil committee for notifying ecologically sensitive areas. This is very important for livelihood and water security in local areas. Sir, the unprecedented floods in Kerala last year and in parts of Karnataka demonstrate very clearly the need to protect the Western Ghats, lock, stock and barrel, and therefore my demand is that the ministry go back, reject the Kasturirangan committee and go back to the earlier Gadgil committee recommendations. Thank you, sir. Right. Vaiko, now your chance. Sir. Proposed dumping of nuclear waste in the Kudankulam atomic plant. Chairman, sir, kindly permit me to raise this 0-hour matter tomorrow, sir. Okay. Thank you, sir. Then, Samit Patra. Samit Patra, sorry. Sir, that's okay. I thank you, Honorable Chairman, sir, for giving this opportunity to speak in the 0 hour on the Women's Reservation Bill, sir. Sir, people might be confused why I'm raising the Women's Reservation Bill. This was the first bill that I raised as my first submission when I took oath on 4th, and on 8th of July, this was my first 0-hour submission. So the reason is, the session is about to end in the next 3 days.
even if it's extended probably by this week. But sir, the fact is we have been passing many historic bills, sir. Today we are talking about reorganization of Jammu and Kashmir. We are talking about scrapping of 370 article. We have done a lot of things, sir. We have talked about insolvency. We have talked about motor vehicles. We have talked about companies amendment. We have talked about a lot of things. But the fact that is, it's about empowerment of women, based on which all the political parties went to elections this year, sir, that is sadly forgotten. And I'll take this opportunity to again remind the government that though it's a historic day in terms of Jammu and Kashmir, 50% of India still needs women's reservation bill for the sake of women's empowerment. So as I have placed before you, on the 8th of July, I signed my first submission, and you appreciate it, I thank you for that. That women's reservation bill, how long will it wait? Will it again come to the floor of the House around 2024 elections? Therefore, sir, may I request through you to the government that while it wants to create history on various fronts, and rightly so, I do not deny them that, let them make history by at least providing an assurance to the House that yes, if not in this session, at least in the winter session, the women's reservation bill will come, sir. That would be truly historic. That would be true women's empowerment. Thank you. Thank you. I associate, sir. Associate. Oh. Liquor, Vajiji. Sri CM Ramesh. Many better, sir. Mr. Siroj Pandey. ये जो नाम देते और हाउस में रहते बीच में चले जाते हैं ना ये लोग थोड़ा सा मोतीलाल जी वोरा को देख के सीखना चाहिए आई वाज रियली वरीड इन द मॉर्निंग व्हेन ऑल आवर कांग्रेस फ्रेंड्स वर स्क्वैटिंग हियर सो ओल्ड मैन बिकॉज ही कांट सिट ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हिम आई वाज फीलिंग बट स्टिल ही वाज देयर इवन नाउ getting late, still he is there. We should all really emulate such examples by such senior people of being a good parliamentarian, etc. Sri Ram Kumar Kashyap. Sir, I want to focus on a very important issue in the government. सर हमारे देश में बहुत सी जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही हैं जब ये ग्राहकों को पॉलिसी दी जाती है इनके द्वारा तो कोई कई तथ्यों के संबंध में कंपनियां दोबारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता जैसे LIC टाटा AI लाइफ कंपनियां ग्राहकों अपनी पॉलिसी को जारी रखने के लिए कम से कम 3 साल तक किस्तों का भुगतान करना होता है और किसी कारणवश वह पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो उसकी पॉलिसी खत्म हो जाती है और उसे पैसा भी नहीं मिलता इस कारणों लाखों करोड़ों रुपए इन कंपनियों के पास रह जाते हैं और पॉलिसी धारक की मेहनत की कमाई बेकार में हो जाती है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा यदि किसी कारणवश पॉलिसी धारक अपनी किस्तों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता तो उसका जितना पैसा जमा हुआ उसे मिल जाना चाहिए तथा कंपनियों द्वारा जो समय सीमा निर्धारित जो कम से कम 3 साल निर्धारित की है वह व्यवहारिक नहीं लगती उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए धन्यवाद मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट सिटिंग हेल्ड ऑन द 5th ऑफ अगस्त 2019 पास्ड द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 आई ले अ कॉपी ऑफ द बिल ऑन द टेबल प्लीज व्हाट डायरेक व्हाट इज योर कंप्लेंट I'm waiting for the bill. I'm waiting for it. No comment. Sir, my people have landed. Samay lagega na? I land kiya, sir. The flight has landed. Right. Please, respective members, take your seats. No business ka. Business. Should I take a special mention for some time or start? Okay. Ah, because. It's a long process again. All the special mentions, I suggest to the honorable members, please wait in on the table. Okay? Sarojini Hemram, I lay. Mahesh Poddar. I shall lay on the table. Right, ma'am. Mahesh Poddar. Right, thank you. See, Ahmed Hassan.
श्री पीएल पुनिया, मैं आपका ध्यान महिला श्रमिक के भागीदारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्री प्रसन्न आचार्य, श्री केसी रामामूर्ति, सर माय रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ कोस्ट गार्ड एकेडमी इन मैंगलोर आई लेट ऑन द टेबल सर। श्रीमती विजया सत्यनाथ, थैंक यू चेयरमैन सर, अपील टू द गवर्नमेंट टू रेज मंथली एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम आई लेट ऑन द टेबल, थैंक यू। डॉक्टर विकास महात्मे, सर आई ले स्पेशल मेंशन ऑन ग्राउंड वाटर अ वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स। शिव प्रताप शुक्राजी टू एसोसिएट, नाउ दैट ही हैज रेड दैट मींस यू आल्सो रेड दैट। डॉक्टर अशोक बाजपेयी, लेकर श्री नदीमुल हक, वो तो रेगुलर आदमी है मगर हाँ। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, श्री पी विल्सन, चेयरमैन द स्पेशल मेंशन रिलेटिंग टू द इंक्रीज ऑफ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 62 टू 65 ऑन द टेबल, आई एम लेइंग इट ऑन द टेबल, राइट। श्री हुसैन दलवाई, क्या हुआ हमारा दोस्त को? श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी, जी सर, उत्तर प्रदेश में 6 पुलों के निर्माण हेतु शीघ्र बजट अमुक करने हेतु मैं अपना ले करता हूँ। श्री ए के सर्वराज, सर माय स्पेशल मेंशन इज डिमांड टू एक्सपीडिएट स्टेप टू नोटिफाई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स टू सेव द इको सिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आई ले द टेबल। श्री संजय सिंह, 2011 में सीसेट का एग्जाम शुरू होने के बाद सिविल परीक्षा में भारतीय भाषाओं के और हिंदी भाषाओं के, बस खत्म कर रहा हूं सर, भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा के प्रतिनिधियों की मात्र अभ्यर्थियों की मात्र 1% सफलता दर जो है वो चिंता का विषय है। इस संबंध में मैंने ठीक है रंगराजन, आराम से आराम से आराम से मीन्स क्वाइटली। Sir, yes, it is reported a company by name. You have to just read the headline and lay it on the table. Yes, sir. Special problem due to poor health employees. Sir, it is reported. Thank you. Demand to address the stress and poor health of IT employees. Okay, Sri Anil Deshai. Subject of special mention is water pollution by industries. I lay it on the table. Sri R.K. Sinha, now pollution. वायु प्रदूषण से संबंधित अपने स्पेशल मेंशन को पटल पे ले करता हूँ। डॉक्टर टी सुब्राम रेड्डी, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री वी विजय साई रेड्डी, सर स्पेशल मेंशन इज रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एप्लीकेशन फी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एट पार विद द एससी एसटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सर डॉक्टर किरोड़ी बाल मीना, हेडिंग पढ़ना बस। रावी व्यास नदी के जल में पंजाब द्वारा राजस्थान की शेष हिस्सेदारी 0.6 MA पानी को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विषय सुन ले। गुड। श्री विनय विश्वम, विनय विश्वम अच्छा। श्री डॉक्टर एल हनुमंतय्या, स्पेशल मेंशन ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड बी अवेलेबल इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, आई लेड ऑन द टेबल्स। वेरी गुड। श्री जोस के मणि, यू हैव टू एसोसिएट सेम इन ऑल लैंग्वेजेस। श्रीमती छाया वर्मा, मैं स्पेशल मेंशन सभा पटल पे रखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड मिनिस्टर। अभी गृह मंत्री जी, हाँ प्लीज प्लीज वन मिनट है पॉइंट कर दीजिए, कर दीजिए फ्रॉम आप कर लो कल सर। फ्रॉम 11 AM दिस मॉर्निंग we have been seeing procedural harakiri, we have been witness to constitutional immorality. This what is the point of order 258, sir? On behalf of the Trinamool Congress, we cannot see this anymore. The constitutional immorality
and the harakiri of procedures, and our MPs themselves are now stuck mid-air because of something. Sir, on this, these two important grounds, sir, in anguish, we walk out. Thank you. Thank you. Whom should I? Please, no comment, no side comments. But whom should I express my anguish of my members coming and squatting here? I can only talk out, I can't walk out. I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu Kashmir Reorganisation Bill 2019 to vote. The question is that the Jammu Kashmir Reorganisation Bill 2019 be taken into consideration. Those in favour will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it. Division. Okay. Please. Division. Lobbies. Yes, sir. I will now ask for division on reorganization. It is a reorganization bill. Please. No. I have already moved ahead. Please be cleared. Members, no further request can be entertained. All the members should take their respective places. No, please. I have told you, Sapandas Guptaji, I am not accepting it. I have already moved on to the reorganization bill. Given the notice. It was given in time. Okay. We have given the notice. See, please. Silence, please. Silence. Hariprasad ji. You are showing your back to the chair. Sri, ek minute baith jaiye. Suniye mera. Sri Anand Sharma ji, Derek Wabrain, Tiruchi Siva, Majid Memam, KK Ragesh, TK Rangarajan, Josh K. Mani, members of Rajya Sabha and another member have submitted a notice disapproving the statute reservation moved by the Minister of Home on 5th August 2019, recommending issuance of public notification by the Honorable President of India under Article 373, read with Clause 1 of the Article 370. In this connection, it may be stated, please, I have to then name people. Don't force me to do it. I'm on a very serious business. Reorganization. In this connection, it may be stated that there is no provision for disapproving the statute resolution moved under Article 373 of the Constitution of India. There is no provision. The resolution moved by the government will be put to vote and it will be either carried in the House or rejected. The members who will have the option to vote against the resolution when it is put to vote. However, the members could have given amendment subject to Rule 231(2). That is, the amendments will not have the effect of a negative vote. You understand now. So I shall now put the motion. I have gone to the other one. Rabbis are cleared. Please, rabbis are cleared. While voting process is on, I request all the members not to speak among yourselves and create disturbance, because the attention will go. And if some small mistake also happens, it will be a historical mistake. That's why time and again I tell everybody, please be there in your respective seats for some time. Sir, those who have not given the division number, they should be given a slip. Yes, those people I'm clarifying it, na? Those people who have not got given the division earlier, the 11 of them, I think they are there. They will be given slips. They can vote through slips, please.
and the Secretary General will explain the voting process. You will get a slip. Secretary General. No, not. Let the date. No, sir. Secretary General will now explain the voting procedure. Honorable members. Bill. He also, Secretary General also, as per rule, he also should explain. Honorable members, you are aware that while most of the members have their allotted seat division numbers in the House, 11 newly elected members do not have a seat number allotted to them as yet. Therefore, even though today's voting would be through automatic vote recording machine, the 11 newly elected members will cast their votes using division slips, only those 11. And it is about the reorganization. Yes. This is for reorganization bill. Reservation already over. The 11 such members are, I am mentioning their name, to whom the officials will give the slips. Shri Ram Vilas Paswan, Shri S. Jay Shankar, Shri Ashwini Vaishnav, Shri Jugal Singh Mathurji Lokhandwala, Shri N. Chandrasekharan, Shri Mutham John, Shri M. Sanmugam, Shri P. Wilson, Shri Vaiko, and Dr. Anbumani Ramdas. The voting slips to these members will be distributed by the officials of the Secretariat. Honorable members may cast, these 11 members may cast their votes by ticking the relevant box entitled Yes, No, or Abstain on the division slip as per their choice, and then hand over the slip back to the officials after putting their full signature, name and date thereon. That will be taken into consideration. All other members will vote from the seats allotted to them. So please be on your seats. This will be done through the automatic vote recording system. Now I shall explain the voting procedure by automatic vote recording system, which you are aware. It may please be noted that each member has been provided with an integrated microphone and voting console containing four buttons: P for present, A for eyes, O for abstain, and N for nose. There is also a separately situated security button in red, which is vote activation button, provided on the language selector. A red LED vote now lighted on the voting panel indicates that the voting functionals are operational and active. To record a vote, member has to press the vote activation button and one of the voting buttons of his or her choice. So two buttons have to be pressed. Each voting button has an assigned LED indicating the correct and valid voting function as long as a button is pressed together with the vote activation button. The voting process starts with a musical sound on the large screen hall display. In the two corners of the chamber, each member has to keep the voting buttons as well as the vote activation button pressed simultaneously for 10 seconds. That is at the time of closing of voting in order to register a valid vote. During the voting period, the member can change his or her vote at any time. But the vote cast at the time when the voting period is ending will be valid, that is the buttons kept pressed at the 10th second will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to close of voting period, the vote will not be registered. The countdown time is also indicated on the display board. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. Thank you. Look, I shall now put the motion for consideration of the bill to vote. The question is put. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No.
I think the eyes have it, but division, division, division. I heard. Division. Honorable members, please. I am starting the voting process. The voting time starts now. Just wait. Let us see. The voting time starts now. Please. Honorable members, there seems to be some technical problem. Now, slips will be given to all the members. They have to vote on the slip like they have done earlier. They are distributing. You also. Vaiko is saying everybody is following them. Only missions, not people. प्लीज कभी कभी होता है भाई ऐसा चेक करके ही दिया One. Who is who? Where? Sanjay Rao ji, galat hai, aisa kiye to. Aisa nahi karna chahiye. Aisa nahi karna chahiye, usme koi bhayankar aisa nahi hone wala nahi, phir bhi nahi karna chahiye. Please. Aapka kaam. Yeah.
Even people, please, please. Arey bhai, the entire country is watching us, including children. Please, Rameshji, you have no business to control the house. I am there to take care, don't worry. If you have anything, please. If you have anything, you must bring it to my notice. You are not supposed to directly talk to them. There is no direct dialing here. Oh, that is the system of the house. It has to go through chair. Anything. Please, please. Wahab? Huh? I will find out what exactly happened. It's a matter of... Okay. संजय राउत नहीं प्लीज सम पीपल सीम्स टू बी सफरिंग विद दैट वीकनेस दैट दे कांट कीप क्वाइट फॉर सम टाइम बट देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल विथ मी आई नीड योर सजेशंस आफ्टर द वोटिंग इज ओवर इफ पीपल हैव एनी सजेशन दे कैन कम टू माय रूम एंड देन टेल मी सो दैट वी विल प्रैक्टिस इट यस आफ्टर द सेशन इज एडजर्न्ड I will be sitting there in my room. Some people can come and give lecture there if they want to speak. What is this? Ready, please. Over, all it is over. Voting is over. Please, you are not supposed to go to others. Why are we small things again making it a news? I'll behave some of this. Members are behaving like kids. Result of the division on the motion for consideration subject to correction ayes 125, noes 61, abstain 1. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 to 103 and the first to 15 schedules stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 to 103 and the first to fifth schedule are adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the titles are adopted. Sri Amit Shah, Minister, to move that the bill be passed. Sir.
सभापति महोदय मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ मोशन मूव्ड दैट द बिल बी पास द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास दोज इन फेवर प्लीज से आई दोज अगेंस्ट प्लीज से नो आई थिंक द आईज हैव इट द बिल इज पास ठीक है नहीं और एक बिल है ना चेक और मैसेज फ्रॉम लोकसभा सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा सिटिंग हेल्ड ऑन द 5th of August 2019 पास्ड द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 आई ले अ कॉपी ऑफ द बिल ऑन द टेबल लॉबी बी ओपन The House stands adjourned till 11 hours on Tuesday, 6th August 2019. Now I shall put the first resolution. I'm coming. I shall put the first resolution moved by Sri Amit Shah on the first resolution. Sri Chidambaram, please. I just called him. Grateful to you, sir. The Honorable Home Minister gave an elaborate reply on why he is doing away with Article 35 Capital A and Article 370. Now, he may have convinced a large number of people, but I'm not convinced, but I'm not raising that issue. What I want to ask is, doing away with 35A, doing away with 370 was part of your manifesto, you're bringing resolution. But why are you reducing the status of the state of Jammu and Kashmir to a union territory? Right. You're carving out Ladakh as a union territory. Why is Jammu and Kashmir right. becoming a union okay. territory? You have raised a point. Sri Gulam Nabi Azad ji. सिर्फ दो तीन माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दो तीन चीजों की तरफ लाना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड टू रेज क्वेश्चन ओनली यू नो आई नीड टू टेल यू मैं बताना चाहता हूं गृह मंत्री जी ने कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ सलूक ठीक नहीं होता है मैं एक मिनट भाषण देख लिया जाए मैंने ऐसा कहा इनको राजनीतिक रिजर्वेशन अच्छा सुनिए मैं कहता ओके वैसे सर्विसेज में आदिवासियों को 10% रिजर्वेशन है एक सेकंड साहब मैंने आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए मैंने राजनीतिक रिजर्वेशन शब्द प्रयोग किया लेकिन ये जम्मू कश्मीर पहली रियासत के पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने के बगैर भी द आ सात से आठ ऐसी और आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पूरे देश में से इसी तर्क पर रिजर्वेशन हटा लिया जाए साल से आप कांग्रेस का ही गुलाम नबी आजाद साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी तर्क पर पूरे देश से रिजर्वेशन हटा लिया जाए क्या कहना चाहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल का अधिकार है साहब उनको मिलना चाहिए और वो 370 हटने चाहिए दूसरा नहीं सर गलत प्लीज कहा कि आंध्रा और तेलंगाना हमने ये मिस्टर चितमन या सिबल ने बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में जितने भी आपने कदम उठाए क्या कंसल्टेशन की अब मैं बताऊंगा आंध्रा और तेलंगाना
क्योंकि मैं गवर्नमेंट और पार्टी की तरफ से नेगोशिएशन कर रहा था, तकरीबन 20 से ज्यादा मीटिंगे दोनों आंध्र और तेलंगाना के साथ हुई, एक साल बराबर मीटिंगे, एक साल तेलंगाना के एमएलए और एमपी ने कहा कि हम केंद्र पर छोड़ते हैं, तब हमने किया। और तीसरा, एवरीबॉडी स्टार्ट गिविंग देयर वेयर अगेन, देन वी कैन मूव। तीसरा, होटल नहीं बना सकता। सबसे बड़ा होटल आज से 70 साल पहले आजादी के बाद ओबराई था, और आज भी बड़ा होटल जो है फाइव स्टार का अलग चीज, वो भी ललित का है। लेट मी मेक इट वन थिंग क्लियर, after the minister's reply any member can ask for clarification, they cannot give clarification on if they start giving clarification then others will ask questions. Sir, point of order, what is the point of order? 234, just a small submission, because the reference was made to Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, because it is going in the house, I'll request Sardar Patel's biography. Top order kya hai? He was making a suggestion to me. I just said the house should take the record straight. I will look into that. श्री मंत्री जी, ये सेकंड आई शैल सेकंड मैं जवाब दे दूं जरा। क्या जो दोनों मुद्दे उठाए इसको, तो दो दो मिनट मुझे, यू आई हैव नो प्रॉब्लम साहब। चिदंबरम साहब ने कहा, उपाध्यक्ष और सभापति महोदय, कि हमारे मैनिफेस्टो में है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लास्ट गत चुनाव में 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए, इस चुनाव में भी पूर्ण बहुमत से आए, मगर ये हमारे मैनिफेस्टो में आज से नहीं है। जब पार्लियामेंट, तो क्या जब हम म्यूनिसिपालिटी में भी नहीं जीतते थे तब भी मैनिफेस्टो में इसलिए रखते थे क्योंकि हम मानते थे कि यह गलत रास्ता है, और गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला, इसलिए आज मौका आया है इसको उठाने का। दूसरी बात, उन्होंने आजाद साहब ने कहा कंसल्टेशन, साहब ये लद्दाख को यूटी को, एक मिनट भाई, ऐसे नहीं हुआ। आप बैठिए। इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन कहाँ हुआ, प्रॉब्लम है साहब, ही हैज प्रॉब्लम, इफ ही हैज प्रॉब्लम प्लीज, आई अलाउ यू टू, इफ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम प्लीज। माननीय लद्दाख यूटी की मांग ढेर सारे वर्षों से, आजाद साहब स्वयं वहां इंटरलोक्यूलेटर बनकर मंत्री नाते गए थे, अरे हमने लेख और लद्दाख दोनों की दो, मगर मैंने भी पेपर आर एंटी यूटी, ले पीपल आर प्रो यूटी, लद्दाख। स्थिति कंसल्टेशन करते करते 70 साल में ऐसी हो गई कि कंसल्टेशन किसके साथ करना, वहां पर भी असमंजस हो गई, इतनी स्थिति बिगड़ी। और ललित का भी जो उदाहरण देते हैं, ललित को भी साहब वहां कोई स्थानीय पासिंदा को खड़ा करना पड़ा, उसके नाम से होटल लेना पड़ा। आई शैल पुट द फर्स्ट रेजोल्यूशन मोड बाय द श्री अमित शाह टू वोट, द क्वेश्चन इज पुट प्लीज, दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो, आई थिंक द आई हैव इट, द रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड। आई शैल नाउ पुट द सेकंड रेजोल्यूशन मोड बाय श्री अमित शाह टू वोट, रेजोल्यूशन चेयरमैन, द क्वेश्चन इज पुट, दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो, I think the eyes have it, the resolution is adopted. Honorable Minister, Home Minister, will reply. सभापति महोदय,
आज मैं इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं ये जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा अंत। मैं पूछना चाहता हूं ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है? और मुझे बहुत स्पष्टता है ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35 ए पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकलिटी पर करी। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे मैं पहले मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर कि अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर मान्य देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रत्ना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है, अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ, इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल साहब। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है सर। ये कहां क्या न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए, ये कहां का न्याय है और क्यों अन्याय? मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलित नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार
बड़ा फला फूला बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर गई। पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है, घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। देश भर के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर सुनकर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सिद्धि कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचे। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5% 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी मैं कहना चाहता, एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू कश्मीर का कितना किया। मान्यवर, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए, जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। 2,77,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी पैकेज के अलावा। मान्यवर, नीचे देखते हैं तो जमीन पर कुछ नहीं। मैं इसमें बाद में आता हूं क्यों कुछ नहीं हुआ, मगर 2011 और 12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3683 रुपया भेजा, 3683, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। कौन रोकता है? 370 रुपए। मान्यवर, 2017 से 18 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो एक तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं, स्पर्धा ही नहीं होती है। और ये तीन परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो 370 की वकीलात करते हैं उनको, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया, एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे अच्छे को चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है। और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो हल्ला। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहते। और मान्यवर, क्या मिला घाटी के व्यक्ति को? देश आजाद हुआ, देश भर में एवरेज कीमत 1 एकड़ की 3,000 रुपया थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है? 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई, क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़े? राम गोपाल जी कह रहे हैं, मान्यवर आपके माध्यम से, मैं लखनऊ के आसपास कितना भाव हुआ, कितना रेट हो गया, तो श्रीनगर वाले को राम गोपाल जी अधिकार नहीं है क्या? हमें नहीं देना है क्या? क्यों रोक कर रखना है उसको? मान्यवर, ये गरीबी जो वहां गई है, बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 है। मान्यवर, भ्रष्टाचार अथाह हुआ, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। मान्यवर, पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए तवा नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता, और भला कौन जाएगा बाहर? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है। खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा वहां, नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा। परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन कंपनी, मतलब ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती है, कोई बड़ी कंपनी वहां होटल भी नहीं बने। वहां हजरतवाल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ढेर सारी रिलीजियस टूरिज्म की संभावना भी वहां पर पड़ी है, मगर इसका इसको ढंग से सभी संभावनाओं को उसका दोहन नहीं हो पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं। मान्यवर, विकास भी नहीं हुआ। कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो मुझे जरा समझा दे, 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा, वो कैसे लगाएगा? और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां जाकर लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पंजाब से जाकर, हिमाचल से जाकर, 35 और 370 है, वो कहां से लगाएगा?
क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखते हैं? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला, घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है। हाँ भाई, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी 370 चालू रखो, तनख्वाह 5000 मिलती है 15000 हो जाएगी 370 चालू रखो, और संस्कृति संस्कृति भाषा बाकी सारे राज्य इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? विलोपित हो गया भारत में? आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची। मैं इस पर मान्यवर बाद में आता हूं। आरोग्य हेल्थ, उसकी भी हालत वहां पर खस्ता हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है देश भर में, सरकारें इस देश का अकेली सरकारें इस देश के हेल्थ को अप टू मार्क नहीं रख सकते। कई जगह पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया, कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहाँ ना पीपीपी मॉडल भी हो सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए? और क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहाँ? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया, नर्स कहाँ, डॉक्टर कहाँ? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के डॉक्टर आते हैं देश के, आप मगर उसको घर खरीद करने की वहां पर परमिशन है। मान्यवर, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं 4 पैसा कमाऊंगा या इन्वेस्ट करूंगा तो वो सलामत है, कोई नहीं जाता मान्यवर। और इसके कारण ये आरोग्य पर भी ढेर सारी जो कमियां दिखती है उसका मूल कारण भी 300। मैं बहुत शॉर्ट में आंकड़े के साथ मैं डिटेल में भी बता सकता हूं, आंकड़े तो मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी साहब को भेजने भी वाला हूं कि भाई देखिए आप भी पुनर्विचार करिए जरा, अभी भी समय है। मान्यवर, शिक्षा, देश भर के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया, संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, क्यों कश्मीर के घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के एडवोकेट्स ने देना। क्यों नहीं मिला उनको वो अधिकार? क्योंकि यहां संविधान का हमने जो सुधार किया वहां स्वीकृत नहीं किया। अब कोई जरूरत नहीं है, कल अगर लोकसभा इसको पारित करती है तो ये शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा। मान्यवर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति नहीं हो सकती, एप्रिसिएशन होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन भला जाकर वहां खोले? और क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं 370? कारण क्या है मैं नहीं समझ पाता। मान्यवर, कोई कारण हो तो बताना चाहिए, आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे, आप इंदिरा जी को अलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित कर इस देश की डेमोक्रेसी को, और हमें उपदेश देते, हमें उपदेश देते। मान्यवर, मैं बताता हूं, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और साच अर्थ में
जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। शेड्यूल बता दें, शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। गुलाम नबी साहब ने बताया कि शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। और अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून को पारित किया मान्यवर, वो वहां पहुंचता ही नहीं। गुलाम नबी साहब ने मान्यवर मुझे कहा, मुझे एड्रेस कर कहा कि इंटरस्टेट शादियां होने लगी, अब सुनते नहीं है साहब। मैं मेरा थोड़ा गुलाम नबी साहब सुन ले मान्यवर, उन्होंने कहा इंटरस्टेट शादियां हो रही। मुझे बताइए साहब, इंटरस्टेट एक जम्मू कश्मीर की बच्ची ने किसी ओडियावासी से शादी कर दी तो उसको और उसके बच्चों को वहां पर कोई अधिकार मिलने वाला है क्या? आप खुश हो रहे हैं शादियां हो रही है, ये शादियां तो कानून नहीं है फिर भी हो रही है। एक बार खुला कर दो, जम्मू और कश्मीर सात अर्थ में हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक मेंटल बैरियर है, ये वोट बैंक की राजनीति है और एक खामखा बोझ लेकर कुछ लोग घूमते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मान्यवर कुछ नहीं होने वाला है। मान्यवर शिक्षा के अधिकार को वहां ले जाना है तो भी 370 चाहिए, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून जो बने हैं और उनको महिलाओं को उनके बच्चों को अगर अधिकार देना है तो भी 370 चाहिए मान्यवर। ये 370 दलित और आदिवासी विरोधी है मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां कितना परसेंट ओबीसी है मान्यवर? आपके माध्यम से मैं रामगोपाल जी को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी तो ओबीसी की खैरख्वाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। आपको मालूम है रामगोपाल जी, वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है, ट्राइबल्स को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसीलिए आज बहन मायावती की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, इसके पक्ष में वोट। मैं सुन रहा था सर, मान्यवर कब तक इनके साथ अन्याय करें? और ये जो ट्राइबल है सिर्फ हिंदू नहीं है, जो कहते थे वोट बैंक हम वोट बैंक की, भाई वो तो गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, उनको भी रिजर्वेशन से वंचित करा है। कोई ये तो समझा दे प्राप्त क्या होगा। बिल 11 बजे लिए, 11 बजे चर्चा कर ली, 370 ऐसे ही आप बदल देते हो। कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मुझे भी मालूम है कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आए हूं, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है, हर लीगल मान्यवर दलित आदिवासी ट्राइबल इसके लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसका कारण भी 370 है। अब मान्यवर मैं आता हूं आतंकवाद पर। मान्यवर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर, समय समय पर ये 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की, नाराजगी की भावना खड़ी। पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। मान्यवर आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप
आपकी पॉलिसी ठीक नहीं, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं, चलो एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया, किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली, जवाहरलाल जी जो चालू कर आए थे वही पॉलिसी चल रही है। किसकी जिम्मेदारी है इसकी, क्यों मारे गए? माननीय स्वायत्तता की मांग उठी। पाकिस्तान तीन युद्ध हारने के बाद 1988 में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक को स्वीकृतियां दी, इसके अंदर भी 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा है ये 370 कलम जब तक है तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता, एक ग्रुप ऐसे खड़े करिए जो कश्मीर के युवा को गुमराह करे और भारत की मेन स्ट्रीम से अलग करे। और ये 88 में ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत हुई, नियास 89 से यहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पूरे पाक प्रेरित जो ग्रुप्स हैं आतंकवादी हैं वो तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता, क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता, गुजरात में भी पाकिस्तान की बॉर्डर है, क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता, क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता? क्योंकि वहां 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं है। माननीय 370 ने समय समय पर जब भी आतंकवाद खत्म होने की कगार पर आता है 370 को लेकर कुछ लोग ये चीज को बढ़ाना शुरू करते हैं। और मैं मानता हूं माननीय हुर्रियत, ISI, घुसपैठिए, ये सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह करा है। और 1990 से 2018 तक 41,894 लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़े हैं। माननीय ये आंकड़ा छोटा नहीं है, रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों ऐसी शुभकामनाएं देते हैं भैया? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, आप कहिए कि भाई चलो सब अच्छे से हो, शांति से हो, क्या संदेश जाएगा घाटी में? आप यहां खड़े रह होकर कहोगे रक्तपात हो जाएगा, हम क्या ये सदन रक्तपात कराना चाहता है? ये सदन घाटी में क्या संदेश डालना चाहता है कि आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में? उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का? और साहब ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर पढ़ाई करते हैं, जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या है। 370 के जितने एडवोकेट हैं इनके बेटे कहां पढ़ते पूछिए साहब, उनको चिंता नहीं है क्योंकि अपने तो सब कर लिया अच्छे से, मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, घाटी के युवा का विकास न करने के लिए ये 370 एक बहुत बड़ी बाधक है। और मैं स्पष्टता से मानता हूं माननीय, जब तक 370 और 35 ये है, कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। निहायत जरूरी है कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए कि धारा 370 लाई जाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं देना चाहते हैं, वहां इंडस्ट्री लगेगी उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे उसको रोजगार मिलेगा,